हाय, ये तो यहाँ पे जा रहा है। ओके, इस समय हम इंडियन कॉफी हाउस में हैं दिल्ली में। तो यहाँ पे हम लाइक वी हैव डन एन इवेंट जहाँ पे लोग जो भी मुझसे मिलना चाह रहे थे, पीपल फार्म के बारे में और जानना चाहते थे लेकिन फार्म पे आ नहीं सकते थे, तो यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। और इसके अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं तो अक्सर बोलता ही रहता हूँ, जैसा कि मैं अभी भी बोल ही रहा हूँ, पर लोगों के जो सवाल हैं वो अब हम लेंगे और मैं एक एक करके जवाब दूंगा। अब लाइव करेंगी अंकिता जी। हेलो। ओके, तो प्रतीश जी का कहना है, प्रतीश जी मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्रत्यूष का क्वेश्चन है कि वो वीगनिज्म इनके डाउट्स है B12 के बारे में। क्या डाउट है आपका B12 के बारे में? ये कि B12 जिसे बोलते हैं कि वीगन डाइट में मिलना नहीं है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेफिशिएंसी हो गई, या हमें किसको किस फॉर्म में लेना चाहिए? उसमें कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में, न्यूट्रिशनल ईस्ट भी आती है जिसको यूज कर सकते हैं, तो हमें किस फॉर्म में लेना चाहिए? ओके, सो B12 डेफिशिएंसी वीगन्स में अक्सर होती है, और पता लगाने के लिए बेस्ट है कि आप 6 महीने में या साल में टेस्ट अपना कराएं। और B12 काफी जरूरी है, क्योंकि अगर B12 कम हो जाए तो ना सिर्फ आपका ब्रेन फंक्शन इम्पैक्ट होता है बल्कि इट कैन ऑल्सो कॉज अ फॉर्म ऑफ एनीमिया। तो B12 की लेकिन डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए बड़ा सिंपल है, B12 के पिल्स आते हैं विच यू कैन टेक, और वो काफी सस्ते ही रहते हैं, लेकिन आई थिंक 2 या 3 रुपए की कॉस्ट है, रोज आपको एक पिल चाहिए। न्यूट्रिशनल ईस्ट जो इंडिया में अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फोर्टिफाइड नहीं रहता B12 से, तो दैट इज नॉट द बेस्ट सोर्स फॉर B12। हाँ, ये अच्छा है एक्चुअली। हाउ डू यू फील व्हेन यू फीड? बाय द वे यहाँ पे सब इंग्लिश हिंदी दोनों समझते हैं, कोई ऐसा है जो दोनों में से एक चीज नहीं समझता? सारा समझते। ग्रेट। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू फीड नॉन वेज फूड टू योर एनिमल्स इवन इफ दैट इज वेस्ट फूड? यार मैं इसमें ना फीलिंग्स को तो खैर आने ही नहीं देता। आई मीन सिंपल सी बात है, वेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स इन 21st सेंचुरी। नहीं, इसमें और कुछ नहीं, तो वेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स इन 21st सेंचुरी। तो वेस्ट जा रहा है, बुचर तो वो काट ही रहा है, राइट? हम उसको इनकरेज नहीं करके, अगर मैं ऐसे बोलूं तो आवाज आ रही है पीछे से? बुलंद। तो अब बुचर ने तो उसको काट ही दिया, एट दैट पॉइंट इट इज सम कॉस्ट है वो, तो अगर वो वेस्ट जा रहा है उससे अच्छा किसी के तो अगर बुचर ने काटना ही है, उसने बकरा काट दिया, मुर्गी काट दिया, वो सामान सारा वेस्ट ही जाना है, तो इससे बेटर है ना कि वो किसी के पेट में चला जाए, क्योंकि नहीं तो फिर हमें उनके लिए भी B12 सप्लीमेंट खरीदने पड़ेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट हम जानवरों को देंगे, एक और रिसोर्स कंजम्पशन है। तो इट्स मेरे लिए इट्स मोर ऑफ अ प्रैग्मैटिक डिसीजन। आई एम नॉट हैप्पी कि बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, सुअर कट रहे हैं, परंतु अगर उसका वेस्ट है तो उसमें तो फीलिंग्स आती ही नहीं ना। वैसे भी मैं कहूंगा कि एनिमल वेलफेयर में या कोई भी डिसीजन जो है रैशनली लेना बेटर है, तो इट शुड बी अबाउट कि वॉट एग्जैक्टली इज गुड रादर देन वॉट फील्स गुड, अगर आप ये डिस्टिंक्शन कर सके तो। पुलकित जी हैं कहाँ पे? ओके, डज दैट मेक सेंस? बट देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन, लाइक वो बुचर भी हमारे लाइक नॉन वेजिटेरियन खाने वालों के लिए काट रहे हैं ना, बराबर एक तरह से लाइक योर वेटिंग फॉर दैट वेस्ट फूड टू लाइक एक्युमुलेट होता है इन अ वे। हाँ, वो नॉनवेज खाना खाने वालों के लिए काट रहा है, तो ही तो हम लोग इनकरेज करते हैं कि नॉनवेज कम खाएं या ना खाएं, तो दैट इज व्हाट्स गोना ड्राइव द कंजम्पशन और लोअर द कंजम्पशन। वेस्ट तो एक्चुअली में लिटरली वेस्ट है ना, वो वेस्ट वहां पे पड़े हुए सड़ रहा है, राइट? दैट वेस्ट इज गोना डीकम्पोज और वो किसी डॉग की बॉडी के थ्रू हो गए डीकम्पोज होगा। बट डू यू बाय दैट फूड? नहीं, वी गेट इट फॉर फ्री, लाइक इट्स अ पाइल, यू कैन गो पिक। स्ट्रे डॉग्स आर ऑल्सो पिकिंग, वी ऑल्सो गो पिक फॉर स्ट्रे डॉग्स, वी आर काइंड ऑफ क्यूरेटिंग द फूड फॉर देम। Is there any plan of scaling the farm outside Dharamshala? नहीं, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने पीपल फार्म की शुरुआत करी ना, उस समय हम दिल्ली में पहले स्ट्रे डॉग्स की स्टरलाइजेशन वगैरह करते थे, और जब हमने वो प्रॉब्लम देखी
को लगा कि यार इसको स्केल से हैंडल नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक फॉर प्रॉफिट को स्केल करना ना आसान रहता है, आपके पास एक मार्कर्स रहते हैं कि आपने यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स खोला, आपकी एक्स कॉस्ट है और आपका वाई जो है रेवेन्यू आ रहा है, एक्स माइनस वाई आपका प्रॉफिट है, जो एम्प्लॉई आपको प्रॉफिट दे रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। नॉन प्रॉफिट इट्स मोर लेबर ऑफ लव वाला काम, तो मुझे नहीं लगा कि इसको स्केल करने से कुछ होगा, तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि इन्वॉल्विंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इज अ बेटर सोल्यूशन, कि लोग आए, लोग जुड़े, जो इंस्पायर होता है वो अपने लोकेल में जाके, बिकॉज इंडिया अगेन यूएस की तरह इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म कंट्री, हर जगह हर लोकेल स्पेसिफिक इश्यूज है, जो काम जो समस्याएं और समाधान हमारे पास कांगड़ा में है वो जाके लखनऊ में एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो इसलिए है कि लखनऊ से आके कोई हमारे साथ जुड़ता है वो चीजें सीखता है, फिर वो वहां जाएं और अपने अनुसार चीजें शुरू करें। हाँ, हम सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि देखिए राम जी की दया से मैं कहता हूं कि बहुत से लोग हमारी बात सुनते हैं, तो हमारे पास एक मंच है, तो बहुत से एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन उनको समय ही नहीं लगता कि उनकी बात आगे आए, तो अगर वो हमें अपना वीडियो भेज देंगे तो वो हम आगे डेफिनेटली उनका काम शेयर करेंगे ताकि और लोग जो उनके आसपास के उनके साथ जुड़े। अमन, ओके, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड स्टार्टिंग ऑफ पीपल फार्म? ये लंबा आंसर है, आप पेशेंट हैं लोग? ओके, यार तो पीपल फार्म की शुरुआत बेसिकली लाइक ये कई लोगों ने वीडियो देखा होगा है ना, तो जब मैं यूएस में था तो जो भी पिताजी ने सब कहा था वो मैंने कर लिया अचीव, कि भाई पढ़ लो, शादी कर लो, घर खरीद लेना, अमेरिका भी पहुंच गया, तो इंडिया में तो खैर जैसे मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई अमेरिका पहुंच गए तो सात खून माफ है भाई, ठीक है, तो वहां पहुंच गए, फिर वहां पे अपना नौकरी करने से दिक्कत थी, मुझे बिजनेस कर लिया, बिजनेस भी ठीक चल गया, काम भी नहीं करना पड़ता था, तो फिर लगा कि अब क्या, क्योंकि खुश नहीं था मैं, जो भी चीज कर लो वो छह महीने बाद फिर बोरिंग ही लगती है, कि कितनी वेकेशनों पे चले जाओगे, कितने होटलों में खाना खा लोगे, पर मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं खुश रहूं कैसे। तो उसके बाद 2011 ये तब हमने इंडिया का रुख किया, हमने कहा जैसे अंग्रेज लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे अपने आप को खोजने, तो हम तो थे यहीं गए, हम भी खोज लेंगे अपने आप को, तो आया मैं। उसके बाद दो तीन चीजें ट्राई करी कि भाई केरल गया कि हम भाई घूमते फिरते रहेंगे, वहां पर भी लगा कि यार ये मैं क्या करूँगा, ये खुशी मुझे दे नहीं रहा। आदेश है यहाँ पे शिवानी के ब्रदर, इनके कहने पे इन्होंने कहा कि रॉबिन जीप खरीदते हैं, हम भारत भ्रमण करेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। जीप खरीदी, थार तब लॉन्च हुई थी 2011 में, फिर हम गए जिसपा तक, वहां लगा कि ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे भी डीजल फूक के एक बढ़िया प्रिस्टीन जगह खराब कर रहे हैं। वापिस आए, कुछ नहीं मिला, दो तीन और भी चीजें की जो मैं बता भी नहीं सकता। धर्म कोड गए, हिप्पी बन गया मैं, बाल बाल लंबे कर लिए, शिवानी भी शादी थी तो ये हिप्पी बनी नहीं, लेकिन जीन पहन के रहती थी वहां पे, वहां भी बात नहीं बनी, लोग लव पीस कंपैशन की बात करते थे सारा दिन, भांग पीना कोई बात बन नहीं रही। फिर मेरा मन बचपन से, मैं ऑरोविल जाना चाहता था, मैंने पिताजी वहां पे काम करते हुए थे, नाम मैंने सुना था, कभी गया नहीं था, तो वहां मैं कहा चलो ऑरोविल जाते हैं, ऑरोविल गया, वहां पे मुझे एक लेडी मिली लॉरेन, तो वो जो है ना सिर्फ उनके पास पैसे नहीं थे, बूढ़ी भी थी वो, काफी एनीमिक भी थी, और 60-70 कुत्तों की वैसे मदद कर रही थी, 60-70 नहीं 40-60 कुत्ते थे उनके पास, उनकी वैसे मदद करी थी, वो झूठन इकट्ठा करती थी और उसको साफ करती थी कि उसमें किसी ने साबुन या कांच या प्लास्टिक तो नहीं डाल दिया, रेस्टोरेंट से झूठन इकट्ठा करके फिर वो कुत्तों को खाना खिलाती थी। तो मुझे लगा कि रॉबिन सिंह धिक्कार है तुम पे भैया, कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अभी भी खुशी ढूंढ रहे हो अपनी, इस औरत के पास कुछ नहीं है और ये अभी भी दूसरों को दे रही है, तो प्लस माँ ने बचपन में अच्छे संस्कार तो दिए हुए थे, डॉग रेस्क्यू कराती थी, बाबा नानक की फोटो वगैरह भी थी, वो है भी फ्रीडम फाइटर फैमिली से थी, तो फिर वो फुल सर्कल कम्प्लीट हुआ कि भाई तुम छोड़ दो, खुश तो रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर्पज जी में लग जाओ। तो फिर मैं वापस यूएस गया, मैंने रैपअप किया, ये लॉरेन मुझे मिली थी 2012 अगस्त, 18 महीने हो गए थे भटकते हुए मुझे। उसके बाद वापस यूएस गया 2013 फरवरी में, मैं, शिवानी और जो हमारे पड़ोस में रहती थी, जो एलन नाम है, जो बोलता हूँ हिंदी का जो लगता है लोगों, तो अपन लोग आए यहाँ पे, हमने फिर ऑरोविल में काम शुरू किया, तो इस तरह ये इंस्पिरेशन थी, मतलब लॉरेन है जो एक ट्रिगर बनी,
to change the life. Does that answer your question, Aman? Yeah. Aman ne kaha bore gaya, chodo yaar. Yeah, yeah, chalo. मैंने एक्चुअली पहले पढ़ूंगा फिर पढ़ के बोलूंगा, पता चले किसने कुछ ऐसा लिखा हो कि छह पैसे वाले हो जाए मेरे एग्जाम में। पहले बंदे को खड़ा करा लेते, पता चले कोई पकड़ा के चला गया। मेरा नाम सामर्थ्य है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं आपसे ये सवाल है कि आप जब किसी मासूम की मदद करते हो और वो किसी वजह से बच नहीं पाता, मुझे पता है ऐसा अक्सर होता है, इसके बावजूद आप अपने आप को भावुक होने से कैसे नियंत्रण कर पाते हैं? मैं काफी समय से एचएचए लखनऊ में जुड़ा हूं और काफी मासूम बच्चों का इलाज किया है, उसमें कुत्ते बिल्ली गाय शामिल थी, परंतु जब मैं किसी को नहीं बचा पाता हूं मैं बहुत संवेदनशील हो जाता हूं। मैंने सेरेनिटी प्रेयर भी पढ़ी पर मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता यार। मैं इसको दो तरीके से अप्रोच करता हूं। एक तो मुझे तो डेथ एज अ रिलीफ लगता है, लाइक मेरा खुद का जीने में खासा इंटरेस्ट नहीं है, पर यह है कि मुझे मरना वेस्टफुल लगता है कि भाई अब हम मदद कर सकते हैं किसी की, भगवान ने मतलब हाथ पैर पूरे दिए हैं, संसाधन भी दिए हैं, पर जब कोई जानवर मरता है मुझे लगता है कि यार चलो उसकी मुक्ति हो गई, अब गारंटी हो गई कि वो सफर नहीं करेगा। तो एक तो मुझे अगर कोई सफर कर रहा हो उसको बचा, उसके लिए कुछ ना कर पाए, वो बुरा लगता है। बाकी दूसरी चीज यार देखो, कोई भी जो चीज है ना, आपको दो चीजें आप कर सकते हो, बेसिकली स्मॉल स्टेप्स एंड रेपिटेशन, ठीक है? तो आप, मैं नहीं कहूंगा कि आपका पहला ही कोई केस है बहुत खराब हो आप हैंडल कर पाओगे, पर चलो थोड़ा बहुत केस खराब है आप। एक्चुअली सर मैंने 50 से आप केसेस करे हैं, लगभग मैंने 40 को मतलब 40 या 45 के आसपास बचाया भी है, और मतलब मैं ट्रीटमेंट भी करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली उसी ग्रुप से। तो उसके बाद मैं जैसे करता हूँ, तो जैसे अगर कोई बच जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मतलब एटलीस्ट उसको सफर नहीं करना पड़ा और वो बच गया। उसके बाद जैसे लेकिन कुछ कुछ नहीं बच पाते हैं, जैसे पार्को कभी कभी रहता है तो उसमें मतलब जो पपीज अच्छे खासे होते हैं जिनको मैंने देखा है थोड़े मतलब अपने आंखों के सामने, उनके साथ ऐसा होता है और मैं नहीं किसी वजह से बचा पाता हूँ, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बचा पाता हूँ और मतलब किसी भी और तरीके से, तब फिर वो मुझे खराब लगता है, फिर मैं इमोशनल होता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसा कब तक वो सफर करते रहेंगे और मैं कब तक किसी सर्कल में घूमता रहूंगा। मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा तो मैं बचा लेता हूँ, बट जो नहीं बचा पाता हूँ उनके लिए मतलब मुझे बड़ा फील होता है, मैं इमोशनल भी हूँ बचपन से थोड़ा। यार मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरे पास कोई हाउ टू नहीं है इसका, पर मैं आपको अपने एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ, कुछ शायद आप पे रिलेट करे, ठीक है? और जैसे हम पीपल फार्म कर रहे हैं, मैं जैसे जब तक उस बबल में हूं ना मैं पीपल फार्म के, तो आसपास लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ जानवर ठीक है, तब तक मेरे लिए काम करना आसान होता है। अब मैं एक बार बाहर फील्ड में चला जाऊं ना तो मैं भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता हूँ, क्योंकि हमें लगता है हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, यहाँ 5 डब्बे लगा रखे हैं, यहाँ लैंडफिल डालो, यहाँ ये डालो, और घर से बाहर निकलो तो दुकानों पे ऐसे प्लास्टिक की चीजें लगी हुई हैं, और अभी दिल्ली आए हैं तो गरीब बच्चे वो सड़क पे गाड़ी वाड़ी साफ करें, एक ओवरवेल्म बंदा हो जाता है। तो एक तो मैं अपने आप को थोड़ा इंसुलेटेड रखता हूं उन चीजों से जिनके बारे में मदद मैं कर नहीं सकता, एक तो ये। सेकंड ये है कि एक पॉइंट पे ना मुझे रियलाइजेशन आई कि मैं कुछ बदलाव नहीं ला पाऊंगा, ये होपलेसनेस वाली बात नहीं है, पर आज हम देखो, आज हम इतने सारे लोग हैं, हमारे अलग अलग विचार हैं। मैं कहता हूं कि भाई मीट नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, आप लोग कहेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, जो भी है, पर हम एक सिविल डायलॉग कर पा रहे हैं, राइट? तो कहां हम एक टाइम पे उज्जड़ थे बिल्कुल जंगली थे, वहां जंगली से लेके आज हम इस तरह पे हैं कि वी कैन हैव अ सिविल डिस्कोर्स। ये अपने आप नहीं हुआ, बहुत से लोगों ने इस मार्कर को, ह्यूमैनिटी के मार्कर को थोड़ा 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 आगे बढ़ाया। तो मेरा काम भी यही है कि मैं उस मार्कर को थोड़ा सा आगे बढ़ा जाऊं। तो दैट्स ऑल आई थिंक अबाउट कि भाई जब मैं पैदा हुआ था तो कंपैशन अगर 1 पे था तो मेरे मरते हुए 1.01 पे अगर हो गया तो लाइफ सक्सेसफुल हो गई। तो यही उसी के बारे में सोचता हूं, बाकी सारी चीजें फिर अपने आप ही फेड आउट हो जाती है मोस्टली, पर शाम का कई टाइम होता बंदा इमोशनल। तो अभी तो सिगरेट छूटी नहीं अभी तक, बहुत कम। पर विकास,
विकास जी का कहना है कि विकास जी हैं कहाँ? अच्छा, मेरा सवाल यह है कि आप बोलते हैं गाय या भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, जबकि आपको बोलना चाहिए जब वो दूध ना दे तो उनकी केयर करें। धन्यवाद विकास जी। एक्चुअली बात आपकी ठीक है, पर चक्कर क्या है कि देखिए गाय भैंस किसने पाल रखी है जिसका आजकल फाइनेंशियल इंसेंटिव है? कोई अपने लिए, सिर्फ अपने दूध के लिए नहीं पाल रहा, बेचने के लिए पाल रहा है। अब जिस आदमी ने चार पैसे कमाने हैं वो अगर बूढ़ी गाय भी रखेगा, बछड़े भी रखेगा, तो वो कहां से कमाएगा? तो उसको लैंड कहाँ है इतना? जैसे हमारे यहाँ तो जैसे हरा चारा भी लोगों को खरीदना पड़ता है, तो जगह जगह पे डिपेंड करेगा। देखो पहले क्या था कि सरकार ने वो जगह दे रखी थी जहाँ पे आप चरा सकते थे जानवर, अब वो जगह पे भी लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, ठेके खुल गए हैं। तो अगर मैं प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि तुम ये करो, वो बोलना फिजूल है। कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर का फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, कंज्यूमर सिर्फ अपने जवान के चक्कर में दूध पी रहा है। तो कंज्यूमर की आत्मा को जगाना आसान है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि जब दूध वो पिए जिसके पास और कुछ खाने को ना हो, हरियाणा में तो खाने का और भी बहुत कुछ है, दूध कंप्लीट मील है, गेहूं भी उगाते हैं, दूध चावल भी उगाते हैं, गन्ना भी उगाते हैं। हाँ, हरियाणा मतलब जैसे पंजाब नहीं खाना है, वहाँ के लोगों का भी गुजार चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दूध दही खाए पिए लेकिन फिर उनकी परवाह करे, तो जो लोग अपने लिए रख रहे हैं वो करे। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे सैनिक फार्म में, आजादी के दौरान वो लोग जब आए यहाँ पे उनके पास मेरे से दो गाय थी, आज उनके पास उनका जो गौवंश है 70 गाय बैल है उनके, सिर्फ अपने घर का दूध चला है। ठीक है, तो उनको 400 रुपए किलो दूध पड़ता है। फिर मैं ये बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि आपके भाई आपके पास तो पैसा है तो दूध अमीर लोग पिए, सिर्फ लोग कहाँ से छोड़ेंगे, कहीं से नहीं छोड़ेंगे। मेरे दिल्ली में सर गाय छोड़ देते हैं रोडों में दूध निकाल के, शाम को पेट्रोल लेते हैं, वो गलत है। मुझे एक बात बताओ, आप जैसे हरियाणा में रहते हो, आपके आपके घर में है गाय भैंस? हाँ, कितने साल से है? 50-60 सालों से। भैंसे भी है? तो आप बताओ बूढ़ी भैंसे कितनी रखी है आपने? बूढ़ी भैंस सर हमारे पास रहती है। और बछड़े कट्टे सारे हैं आपके पास? जो उसका होता है छंगड़ा पैदा होता है नाना, जो जैसे आप भैंस को प्रेग्नेंट करोगे तो ही दूध देगी ना, तो जो उसका मेल बछड़ा पैदा हुआ वो तो फिर वो रागिनी क्यों बन गई? आया बुढ़ापा कड़वा करके, वो कहता है कि ना बेच किसान मुझे। सारे सारी मैं मान लेता हूँ कि आपका परिवार जो है एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है जो रखता होगा, अधिकांश लोग नहीं रखते, आपको खुद पता है। पता होता है, अनदेखा कर देते हैं लोग। Exactly. कि मैं जानना नहीं चाहता, जागरूकता वापस मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मैं जो लोग दूध प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं उनका फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पैसा पैसे उनको लोगों को कि भाई तू पैसे मत कमा, वो बहुत मुश्किल है। कंज्यूमर को ये कहना कि आप अपने पैसे से क्रूरता के लिए वोट मत डालिए, वो थोड़ा एक आसान आस्क है, छोटी आस्क है। इसलिए खत्म होने वाले तो बता देना, मैं अपना कुछ पेपर दे दूंगा। खरीदी नहीं है मैंने अपनी, लेके आया था मैं खाली बोतल भरी है। नहीं, खुद बंदा गिनती कौन सी जरूरत है? आपने फार्म दिल्ली में क्यों नहीं खोला? एक तो दिल्ली में आज जमीन बहुत महंगी है, दूसरा थोड़ा एक स्वार्थ वाला कारण ये था कि भाई अब अमेरिका छोड़ा, काम छोड़ा, तो कम से कम साफ हवा पानी हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो करना है तो शहर से तो बाहर निकले। तो अगर बजट में होता तब भी मैं हिमाचल या उत्तराखंड ही जाता। पीपल फार्म की एक और ब्रांच क्यों नहीं खोलना चाहते हो आप? देखिए मुझे लगता है कि जो काम अपनी निगरानी में हो ना वही बेस्ट है, क्योंकि अभी हमारे फार्म पे ही आप देखोगे फेसबुक पे कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने ये रेस्क्यू के वीडियो तो डालते हो, आप रेस्क्यू करने आते नहीं हो। पर मेरे को पता है कि भाई हम क्यों रेस्क्यू करने नहीं जा पा रहे, जगह भरी हुई है। तो
तो एक और ब्रांच होगी वहां पे, मैं होऊंगा नहीं तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नाम खराब होगा, फिर ये हो जाएगा कानपुर वाले पीपल फार्म में तो पैसे लेके कुत्ता रख लेते हैं, ये वाली चीजें हो जाएंगी। एनिमल वेलफेयर में बहुत, एनिमल वेलफेयर में लोगों से ज्यादा तकलीफ है मुझे, जो एनिमल लवर होते हैं वो ज्यादा तंग करते हैं। आपने कभी सोचा था कि आप कभी इतने फेमस बनोगे? एसी का सवाल है। नहीं मेरा नहीं है, मेरा मेरा अलग से रैंक में है। ये वैभव का है, वैभव काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर उस पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। नहीं मतलब मैं एक्चुअली हैकर था तो यही लगता था, कभी अखबार में ये नाम आएगी कि 11 साल के लिए लड़का पीछे हो गया, पर नहीं सोचा था। और टू बी ऑनेस्ट अभी पॉपुलैरिटी भी लाइक साइड इफेक्ट है, अगर आज का हमारा अपडेट वीडियो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है, देखा होगा। मैंने तो उसके अंत में मैंने देखा है कि एग्रेसिव एनिमल्स को कई बार यूथनाइज करना पड़ता है, इट्स नॉट अ पॉपुलर ओपिनियन, पर मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं हूँ, जो ग्राउंड रियालिटी है वो है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ डॉन करके जर्मन शेफर्ड है जो, वो खा जाए किसी को, अब हमारी पूरी कोशिश है कि वो ठीक हो जाए। सब कुछ हमने उस पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, हर्बल ट्रीटमेंट भी, अश्वगंधा भी दे रहे हैं, किसी ने होम्योपैथी भी सजेस्ट किया, जो मैं दिल्ली से लेके जाऊंगा। अगर वो नहीं होता ठीक तो आप बताओ, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा कि भाई ये जो चोट थी उसकी हो गई ठीक, इसको छोड़ दें, तो वो भी तो एक गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी ना। पर अगर मैं कहता हूँ उसको यूथनाइज कर दो तो फिर एनिमल लवर नाराज होते हैं, बट लाइक आई सेड दैट इज द ग्राउंड रियालिटी, यही होना चाहिए। सॉरी थोड़ा डाइग्रेस कर दिया। आपके पास कौन सा फोन है? मेरा फोन ना, मैं पुराने फोन यूज कर रहा था, मेरा अभी लॉकडाउन के दौरान खराब हुआ, तो फिर इसके पास जो था वही लिया मैंने, सैमसंग गैलेक्सी। ये इसके ये क्यों? ऐसे ही नहीं यार, ये तो भाई अच्छी नहीं आती ऑलरेडी अच्छी नहीं आती सर, यू शुड कंसीडर बाइंग एन आईफोन। फिर कंटेंट के बारे में तो कहूंगा क्या फिर मैं, देखो मैंने राजेश जी का सवाल नहीं है, राजेश जी चाहते हैं कि मैं वीगनिज्म के बारे में बात करूं, पर सौभाग्यवश वो बात हो ही गई अभी जब हम ट्यूबवेल की बात कर रहे थे या गाय भैंसों की बात कर रहे थे। देखिए मेरा वैसे भी, मैंने अभी राजेश जी को मैंने यही कहा था कि मेरा मुद्दा नहीं है किसी को कन्वर्ट करना, मेरा मुद्दा मैं कहूंगा कि एनिमल लवर लोग मुझे समझते हैं, मैं बहुत ह्यूमैनिटेरियन हूं। अब मैं 17 साल तक नॉनवेज खाता रहा, तो मुझे जब मैं जाला तो यार मुझे लगा जब 17 साल तक तो ये कांड कर ही दिया, उससे पहले मैं बचपन में चीटियां भी मारता था तो वो भी गिल्ट है आज तक। फिर उसके बाद 28 में किसी ने, लड़की ने कहा मेरी किस्मत खराब हो, मिल गई उसने मुझे बताया वीगनिज्म के बारे में, तो पिज्जा विज्जा भी सब छूट गया, पर वो गिल्ट है 28 साल का। तो मुझे यही है कि लोगों को मैं अवेयर कर दूं, ताकि अगर उन्हें लगता है कि भाई जो उनका बिलीफ सिस्टम है और जो उनके एक्शन है अगर वो अलाइंड नहीं है तो वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं बता रहा कि उनको ये करना चाहिए या ये नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक देम अवेयर, आगे उनकी इच्छा और फिर राम जी की। अगर आप लिंक दें तो फिर वो बेहतर रहेगा। रोशिका, I really love your videos and my best wishes to you in your efforts. Thank you. आप जा रहे हैं क्या? नहीं, I'm sorry. Booster, booster. Thank you so much. रोशिका चौरसिया जी। ओ आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है। What according to you are some major factors we need to consider while working with animals? Okay, that's a really good question. देखिए एनिमल वेलफेयर में सबसे जरूरी है ना बोलना, अपना एक दायरा बताओ ना कि आप कितने समय तक आप काम कर सकते हैं, जैसे दिन में आप एक एक्स आवर्स तक ही काम कर सकते हैं, बिकॉज एनिमल रेस्क्यूअर्स जो होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, दे टेंड टू बर्न आउट। वो रात को 1 बजे भी उनको फोन आएगा वो वहां भाग जाएंगे कि इसको रेस्क्यू करना ही करना है। तो बहुत जरूरी है अपने लिए लिमिट्स आप पहले सेट करें कि भाई मैं 6 घंटे ही काम करूंगी, 8 घंटे ही काम करूंगी। सेकंड,
यू हैव टू डिसाइड की वॉट आर द काइंड ऑफ केसेज यू कैन हैंडल. आपको वो लिमिट भी अपनी पता होनी चाहिए. थर्ड इज की हाउ मेनी एनिमल्स कैन यू वर्क विथ. तो वो भी बहुत जरूरी है कि जैसे पीपल फार्म है, पीपल फार्म की कैपेसिटी है 50 जानवर, तो उससे ज्यादा जानवर अगर हम भर लेंगे तो जो एनिमल्स हैं उनको भी हम डिसर्विस करेंगे, प्लस वी विल टेंड टू बर्न आउट बिकॉज दिस इज अगेन अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. बाय स्टरलाइजिंग द स्ट्रीट एनिमल्स आर वी नॉट हार्मिंग द हेल्थ ऑफ देयर पॉपुलेशन. देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप सड़क पर देखें अगर 8 पपीज पैदा होते हैं तो 8 में से 7 बड़ी बेदर्दी से मरेंगे. लाइक या तो उनपे गाड़ी गुजर जाएगी या उनको पारवो हो जाएगा या लोग मदर से अलग कर देंगे. तो वो क्रुएल्टी काइंड ऑफ डेफिनेट है. मैं आपको देख नहीं पा रहा है. ओके तो वो क्रुएल्टी डेफिनेट है और उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है स्टरलाइज करना. तो यस इट इज एन इन्वेसिव प्रोसेस, बट अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग देखें तो स्टरलाइजेशन में कम है, और अगर आप बर्थ होने देते हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग है दैट्स ऑलमोस्ट, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? थर्ड है ना. ओके हाउ कैन वी एक्टिवेट द नॉन एक्टिव कम्युनिटी टुवर्ड्स एनिमल वेलफेयर. सम बेसिक स्टेप्स ये आप मुझे बताएंगे. व्हाट डू यू मीन नॉन एक्टिव कम्युनिटी? मैं अब आपका समझ गया सवाल. देखिए तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो एक्टिवली एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, देन देयर आर फ्यू वेरी फ्यू एक्टिव हेटर्स जिन्हें प्रॉब्लम होती है कि भाई मत दो खाना, मत दो ये वो कम है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो न्यूट्रल है, दे डोंट केयर ईदर वे. तो जो ये हेटर्स है ना उनके लिए तो बेस्ट है. जैसे हमारा जो RWA थी जो मैं दिल्ली रहता था, तो मैं उन्हें बताता कि भैया जब किसी डॉग को स्टरलाइज करना है, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, तो इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, और एक बार इन्हें हम दोस्ती करेंगे पकड़ पाएंगे तो ही वैक्सीनेट कर पाएंगे. तो वी आर वर्किंग टू मेक स्ट्रीट्स सेफर फॉर यू. कोई कल को कुत्ता कटखना हो जाता है उसको हमें एंग्जो केयर में डालना है तो हमारा दोस्त होगा तो ही हम डाल पाएंगे. दे अंडरस्टूड दैट. तो आपको रीपैकेज करना होगा अपनी एक्टिविटी को. देन यू स्टिल हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल इन द वे यू कम्युनिकेट. मैंने अगेन देखा कई बार एनिमल लवर्स दे टेंड टू गेट एग्रेसिव. वहां पे चीजें बिगड़ जाती हैं. फिर उसके बाद आ जाती है जो पीपल हुआ ऑन द फेंस, जो यहां है ना वहां है. अगर हम एनिमल फीडिंग के बारे में लाउड हो ना, अब इंडिया में क्या बुरा काम करते हैं, जैसे कि खूब बढ़िया पैसा खर्च करके बड़ी गाड़ी ले ली, वो फेसबुक पे चारों तरफ दिखेगी. पर कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर हम बताते नहीं लोगों को कि यार नहीं नहीं लोग सोचेंगे कि भाई हम अपना डींगे मार रहे हैं या कुछ. तो वो बहुत जरूरी है कि जो लोग एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं वो आगे आए और बताएं कि मैंने ये किया, मैं डॉग्स को खाना दिया, मुझे अच्छा लगा. और देखा देखी जो वो जो न्यूट्रल लोग हैं ना वो इस साइड आ जाएंगे. कोई भी सोशल स्ट्रगल तभी कामयाब होती है जब 60% से ऊपर की जो सोसाइटी है वो आपकी तरफ हो. डज दैट मेक सेंस? नीरज शर्मा. हाँ जी अच्छा मुझे पता नहीं. कोई बात नहीं, आपको 2 मिनट दिए, आपने लेटर लिखा इतना स्टिकर मिल गया. सही बात. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट क्रुएलिटी वीडियोस ऑन फेसबुक? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. विदिशा
मुझे नहीं लगता कि क्रुएलिटी वीडियोस फेसबुक पे लोगों को शेयर करने चाहिए, बिकॉज जो लोग क्रुएलिटी कर रहे हैं वो उनको ये पता लग गया ना कि यार हम कुछ क्रूअल डालेंगे तो ये हम फेमस हो जाएंगे। जैसे यूएस में बड़े सारे वो साइको किलर्स हैं, वो इसीलिए हैं। अब इंडिया में नहीं होते साइको किलर्स, उनको कोई तवज्जो नहीं देता। हमने बात भी करी थी एक्चुअली मैम। नो हम लोग का ये पॉलिसी है कि हम लोग सेंसिटिव कंटेंट को अप्रूव नहीं करते हैं। बहुत से आते हैं हमारे पास डेयरी के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए आते हैं, हम वो अप्रूव नहीं करते हैं। जो ये हॉर्स वाला था उस पर हमारी बात भी हुई कि हम बस वही विचार लेना चाहते थे। आप उससे एक बार फोन पकड़ो, एक सेकंड, पता भी होनी चाहिए कई लोगों को नहीं पता है। हमारी जो सेंसिटिव कंटेंट है वो यहीं तक सीमित है कि हाँ यार डेयरी में ऐसा होता है या पोल्ट्री में ऐसा होता है, लेकिन जो राइड्स होती है वहां पे भी ऐसा होता है, जो हम जू में जाते हैं वहां पे भी ऐसा होता है। तो वो एक जस्ट, हम लोग दोबारा ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन जस्ट एक हिंट था कि सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी उससे आगे भी है कि यार चलो आज मजा आ रहा है तो घोड़े पे बैठ जाते हैं, चलो यार आज मजा आ रहा है हाथी की सवारी कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो क्रुएलिटी। ना कि हमें अच्छा नहीं लगा मत डालो, तो all I don't agree with you at all on that, because see there are many people who are unaware, who are learning, so you can actually say hide the content. If you say hide the content on Facebook, you're giving a hint to Facebook not to show that particular type of content to you. But there are so many people who are not aware of so many things. You might say ki nahi hum to acche ghar ke log hain, hame sab kuch acha karte hain, please hame gandi mat dikhao, but a lot of people are not aware, and the first step is to start a dialogue, and in that sense I beg to differ with her, and I would say very much in support that even though I myself have never posted such content because I am a mature person, but if people are posting you can hide it and it's a hint, but do not. But I think मैं विदिशा की बात से agree करता हूँ, because देखिए जो friends of people farm है ना, उसका मुद्दा ही यही है कि लोग एक दूसरे से inspire हों, right? तो उस group के मुद्दे के साथ aligned नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे वीडियोस ना आए। मेरा एक और क्वेश्चन इसके साथ ही है सर, कैसे आप इसके इफेक्ट से आप कैसे अपने आप को, क्योंकि मैंने तो अगर सोशल ट्रैप हो जाता है मेरा। नहीं देखिए डिसेंसिटाइज तो आप इन वीडियोस को कर ही नहीं सकते ना, आप अपने आप को डिसेंसिटाइज कर दिया तो आपके अंदर एम्पैथी आपने मार से दी ना। मैम हम तो रोज देखते हैं, अप्रूव डिसअप्रूव के लिए हमें रोज देखनी पड़ती है वो वीडियोस, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं तो हम लोग, मैं इनसे बात भी करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मैं क्या करूँ। अब ये डायरेक्ट वीडियो है लेकिन इट इज वेरी सेंसिटिव, बट फिर रॉबिन्सन ठीक बोलते हैं कि यार कोई लॉजिक नहीं है, हम लोग शेयर कर देंगे, लोग दो बातें कर देंगे, हो ऐसा हुआ, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, गाली गलौज कर देंगे, लेकिन सोल्यूशन तो कुछ नहीं है। तो हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं कि इंस्पिरेशनल हो, हमारी जितने भी पोस्ट है वो इंस्पायरिंग हो, वैसी हमारी ज्यादा कोशिश रहती है, क्योंकि बहुत गाली गलौज से ना बहुत सिस्टम बिगड़ जा रहा है आजकल ग्रुप में बहुत ज्यादा। और मैं हम लोग तीन चार लोग अकेले क्या हैंडल करें, हम घुस भी जाएं तो हम क्या हैंडल करें उसमें, हम आपकी वो तो नहीं बदल सकते, सोच भी नहीं बदल सकते। तो अब काफी लोग हैं जो नहीं है फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म में, प्लीज ज्वाइन करिए, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग है। जिनको नहीं पता फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म हमारा फेसबुक पे ग्रुप है, वहां पे यही है कि हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि जैसे रितु जी ने विस्की को अडॉप्ट किया, स्टेला को अडॉप्ट किया, तो लोग ये शेयर करें और आगे इंस्पायर करें अच्छी चीजें करने के लिए। मैं तो यही है भाई, मेरे को तो ये होता है कि अगर मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता मैं देखना ही नहीं चाहता। सर मैंने शुरू ही मत करो ना, मुझे तो कोई फोन भी करता है आप भी लिख के दीजिए प्लीज, सॉरी। रॉबिन सर मेरा एक्चुअली इनका जो क्वेश्चन था ना उसी का एक थोड़ा सा मैं पूछता था। इन्होंने बोला मैं ये नहीं बोलूंगा वीडियो डालना ना डालना, मेरा क्रुएलिटी के ऊपर में है कि सर इंडिया के अंदर में एनिमल प्रोटेक्शन लॉज बहुत सारे हैं, मगर उसके इम्प्लीमेंटेशन अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए इतना नहीं है। यहाँ मतलब मैं कहूंगा इंसानों के साथ गलत हो जाता है तो
कहाँ से कहाँ मतलब इतने सालों तक बातें की जाती है, मगर एनिमल प्रोटेक्शन लॉ को किस तरीके से इस्टेब्लिश मतलब पूरी तरीके से ऑन ग्राउंड उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए, या ऑन ग्राउंड उसका हम रियलिटी में हम नहीं कुछ देख पा रहे हैं, तो कि क्रिमिनलिटी हो रही है उसको किस तरीके से मतलब साथ में सिंक्रोनाइज करके उसको ठीक किया जाए। मेरी अभी मेनका गांधी जी से इसी बारे में बात हो रही थी, तो वो तो उनका ये कहना था कि भाई उनका और जो पीएफए की ट्रस्टी है गौरी मौलखी जी, तो उनका ये कहना था कि चार कानून नए ले देंगे इंडिया में जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है, खैर वो तो काफी कड़ा है, उसके बाद मेरे ख्याल से सेक्शन 428 429 ये दो है जो जो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए अपना काम करते हैं, कि उनके प्रिंट आउट लेके सबसे पहले तो आप पुलिस स्टेशन में लगा दो, बड़ा बेसिक सा स्टेप है, अभी तो उनको पता ही नहीं है कि कौन से कानून है। उसके बाद ये है कि लोगों को थोड़ा टाइम निकाल के इन चीजों को परस्यू करना पड़ेगा। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, अगर इस एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर में छोटी छोटी वीडियोस अगर आप अपने पीपल फार्म में डलवा देंगे, हमने बनाई है, हमने बनाई है, डाली है, डाली है जी। खुशबू कुमारी हाय, आपकी भी बिना रूल पेपर के आपने काफी सीधा रॉबिन जी, मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं कुत्तों से नफरत नहीं करती परंतु मुझे कुत्तों से डर लगता है, मैं दिल्ली के डियर पार्क में जब सुबह की सैर पे जाती हूँ तो कुत्तों की भीड़ देखकर और लोगों के बेवजह बिस्कुट खिलाने के ढोंग से परेशान हो जाती हूँ। जी हाँ ढोंग, कुछ लोग अपने विदेशी नस्लों के कुत्तों के साथ आते हैं परंतु यही लोग पार्क के अंदर के कुत्तों को डंडे से मारकर भगाते हैं, बताओ। कुछ लोग थैले में भरकर अनाज बिस्कुट रोटी और घर का बचा हुआ खाना तक लाते हैं और इधर उधर पार्क में डाल जाते हैं, जिसकी वजह से पार्क में कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है, और जो हम जैसे लोग जो ना कि कुत्तों से नफरत करते हैं और ना ही लगाव रखते हैं उनकी कठिनाइयों का सामना उन्हें ना ही लगाव रखते हैं उनको इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि ये हम कुत्तों की आबादी बढ़ाने पर क्यों जोर दे रहे हैं जबकि दूसरी तरफ हम इंसानों की संख्या को नियंत्रित रखना चाहते हैं। कबूतरों और कुत्तों को खाना खिलाने का ऐसा मानो जैसे एक फैशन चल पड़ा है दिल्ली में, इंसानों से लड़ो और कुत्तों को प्यार करो, अजीब सा ढोंग है इस शहर में। खुशबू जी मैं आपकी बात समझता हूँ कि भाई आप जा रहे हो और कुत्ते तंग कर रहे हैं, पर ये दो तरह के लोग हो गए ना, एक तो जो देशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं वो तो हमारी ऑडियंस ही नहीं, हमारे तो देसी लोग देसी डॉग हैं, है ना। फिर अब बात आ जाती है फीडिंग की जी, देसी को पालते हैं नहीं, वो हमें कहाँ फॉलो करते हैं ऐसे लोग, हमारे कहाँ सुनेंगे वो। हाँ जी, डियर पार्क में काफी लोग जो डॉग लाते हैं अपनी पेडिग्री, वो थोड़ा सा पेडिग्री भी लाते हैं, वो स्ट्रे डॉग्स को फेंकते हैं, कुछ लोग हैं जो स्टिक कैरी करते हैं, बट एज जब तक उनके हाथ में डंडा होता है डॉग पास ही नहीं आता जो स्ट्रे डॉग होता है, इसलिए नहीं एक, एक अगर आपको दिखे कि कोई मार रहा है तो आपको पूरा हक है और जिम्मेदारी भी है कि आप उनसे वो मिक्स कर रही हो आप इशू, मैं भी एक ऐसा पार्क है जहाँ पे हम डॉग स्पीड और स्टेबिलाइज करते हैं तो वहाँ पे मेनी ऑफ द पीपल जो बट आई थिंक आप इशू हैं और रॉबिन भैया बोले, रॉबिन भैया आप ही बोलिए। तो जो दूसरे लोग हैं मैं वहां पे आपसे एग्री करता हूँ कि लोगों को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, पर फिर भी मैं ये कहूंगा देखिए वो ढोंग नहीं कर रहे, वो अपनी तरफ से तो अच्छा कर रहे हैं, अगेन वही है उनके मन में एक इमोशन आया कि अरे देखो बेचारा भूखा है इसको खाना देना चाहिए, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे। और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, पर देखिए भूखा मारना इज नॉट द कंपैशनेट वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन, है ना। तो यही लोग जो है जो ये फीडर्स हैं, हम इनकरेज करेंगे कि फीडर्स कोई की स्टरलाइज भी करें ताकि आप जैसे जो लोग हैं जिन्हें तकलीफ होती है कि अरे देखो इतने कुत्ते हो गए,
वो भी रह जाएं अपनी जगह, उनकी भी बात रहे और कुत्ते भी भूखे ना मरें। तो ये आपका पॉइंट ठीक है, इस बारे में हम इस बात करेंगे फॉर श्योर। बस क्या आप अपनी आत्मकथा लिखेंगे? अगर हाँ तो उसका शीर्षक क्या होगा? नाइस। 3 मिनट का वीडियो लिखने में तेल निकल जाता है मेरा। पर अगर अगर मैंने कभी कुछ लिखा 2000 पेज तो मैं पता है मैं लिखूंगा हैप्पीनेस हैपन्स, बिकॉज जो मेरी स्टोरी थी वो यहीं से शुरू हुई थी कि मैं हैप्पी नहीं था, हैप्पीनेस ढूंढ रहा था, हैप्पीनेस पे गिव अप किया। मैंने कहा कि भैया नहीं हो सकते हैप्पी, पर्पसफुल लिविंग, और वो पर्पस परस्यू करते करते इवेंचुअली आई गॉट हैप्पी। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में मैं दुखी नहीं होता, आई डोंट फील डिप्रेस या शिवानी से लड़ाई नहीं होती मेरी, बट ओवरऑल अंडर लाइक बीनीथ द सरफेस मैं कहूंगा कि मैं हैप्पी हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हैप्पीनेस हैपन्स रहेगा। हाउ डू यू रिमेन सो पॉजिटिव ऑल्दो यू आर सराउंडेड बाय सो मच सफरिंग? यार मैं बड़ा ना यूटिलिटेरियन हूं, तो ये आकांक्षा जी, सॉरी आकांक्षा, मैं यूटिलिटेरियन हूं, मैं अपने आप को यही कहता हूं कि भाई अगर मैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चला जाऊंगा, लो फील करूंगा, तो जो मैं कर रहा हूं वो भी मैं कर नहीं पाऊंगा, तो फिर सब कुछ पॉइंटलेस हो जाता है। इसलिए आई डोंट अलाउ माई सेल्फ टू बी लाइक यू नो कि मैं नेगेटिविटी में सके हूं, पर फिर भी कई बार आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसके लिए यही करता हूं मैं अपने आप को अच्छे लोगों से घेर के रखता हूं, और यू नो लाइक या तो उनसे बात करके ही मन ठीक हो जाता है, जस्ट नॉर्मल चिट चैट करके। बहुत ज्यादा कभी गहरे अंधेरों में हूं तो उनमें से किसी को मैं अकेले में ले जाकर बात कर लेता हूं, अपने मन की भड़ास निकाल लेता हूं, वो थोड़ा कंसोल करते हैं, फिर यू बाउंस बैक। जैसे लाइक यू नो लाइक जैसे मैं कहूँ अगर समराइज करूं तो देखिए होप इज आर ओनली चॉइस, राइट? ये मेरे शब्द नहीं है, दलाई लामा जी के हैं, हमारे पड़ोसी हैं वो। है ध्रुव, ओ माय डॉग इज अ प्योर नॉन वेजिटेरियन, शुड आई कंटिन्यू विद दिस और इफ नॉट हाउ टू चेंज इट? उसका खाना वो खाना छोड़ देगा, नहीं मिलेगा तो हमारा इस बारे में वीडियो है। बेसिकली यही है कि आप उसकी जैसे मान लो 100 ग्राम वो नॉनवेज खाता है, उसमें से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो 10 ग्राम हटा के 10 ग्राम आप वेज डाल दो, तो इस तरह धीरे धीरे उसको यूज टू करो। इवेंचुअली अगर वो 2 दिन नहीं भी खाएगा ना, तो डॉग्स के लिए अगर वो 2 दिन फास्ट करते हैं उनके लिए ठीक ही है वो, और अपने आप वो लाइन पे आ जाएगा। मेरा खुद मम्मी ने बड़ी बारी मेरे साथ ऐसा किया है, खानी शुरू करी है मैंने। सर उसके आगे अगर वेजिटेरियन को नाक से धक्का मार देगा, अरे कब तक मारेगा, भूख तो लगेगी हम तो ना। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स आपके लाड प्यार के चक्कर में खराब है, मेरा नहीं मेरी मम्मी का है, आप लोगों के लाड प्यार से खराब है। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स कह रहे हैं आपकी लाइफ पे मूवी भी बननी चाहिए। ओ अगर आप में से कोई बनाना चाहता है, मेरे को आपसे बात करनी है, और इस स्लिप को फिल करो, ये स्लिप इसको रिटर्न चाहिए। अरे सीरियसली ये किसकी है? ये संजय गांधी की पर्ची है इस पे जी, बताएं मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। तो आप इस पे अपना नंबर लिख देंगे, मैं आपको एंड में कॉल करूँ, ठीक है बच्चा कहीं गया हुआ है, वो ठीक हो जाए वहाँ पर, लेकिन उस मान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने को एस एच ओ से थप्पड़ पर मारा। अच्छा, और वो एस एच ओ भी इतना बेवकूफ कि मेनका गांधी का नाम सुन के वो डर गया, मेनका गांधी डॉक्टर ढूंढ गया बाबा। नहीं सर, मैं मुझे लगता नहीं कि दिस इज द राइट फोरम टू टॉक अबाउट दिस। वैसे भी आई सर उसके लिए सॉरी, नहीं बेसिकली क्योंकि देखिए अगर पीपल फार्म में ऐसा हुआ तो उसके लिए मैं जवाब दे, यदि उसके बाहर ये हुआ, क्योंकि अभी आपने बोला कि आप जिस काम को करोगे वो वाला काम आपकी देख रेख में होगा। जी एग्जैक्टली राइट, संजय गांधी में देख रेख होती है, पर वहाँ पे कंसर्न कुछ अलग ही हो चुका है जो कि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा। पिछले जब से मेरे को 4 दिन से वो थप्पड़ लगे हैं ना मेरे को,
मैंने अपना काम वाम सब छोड़ दिया। क्या मैं आपसे इसे बाद में बात करूं? बिकॉज अगेन ये दिस इज अ रेन वी कैन अबाउट एवरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं क्या ही कहूं। मिलिंद नालिन मिलिंद ओके ओके सॉरी सॉरी हाय सर, मेरा नाम मिलिंद है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने अभी तक 15 बड़े कुत्ते और 7 पपीज का इलाज करा चुका हूँ। फक या मैन जिनमें से कुछ पारों से भी पीड़ित थे। रोज मैं 50-60 डॉग्स को फीड कराता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये कि आप उन लोगों को कैसे डील करते हैं जो आपके लोकेलिटी में खाना खिलाने से या उनके वहाँ डॉग इलाज करने से मना करते हैं। अगेन मिलिंद लाइक यही है कि इस इशू को वही है रीफ्रेम करना पड़ता है। लोगों को ये बताना पड़ता है कि हम ये कुत्तों के लिए नहीं कर रहे, हम ये आपके लिए कर रहे हैं। हम खाना खिलाएंगे, इनसे दोस्ती करेंगे तो ही हम इनको स्टरलाइज करा पाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे। क्योंकि अगर आपको रेबीज वाले कुत्ते ने काट दिया आप मर जाओगे, आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। थोड़ा आपको वही है समझाना पड़ेगा। और बाकी कई बार ये होता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन तो देखिए कभी भी काम नहीं करती। और साथ ही साथ अपने साथ और लोगों को जोड़ते रहो, यू नो वो माइट इज राइट वाली बात है। 50 लोग अगर आपके साथ खड़े हैं तो उनको आप वैसे ही दबा दोगे बाकियों को। हमने भी तो फॉर्म पे 38 लोग इसलिए इकट्ठे कर रखे हैं। पूजा पूजा बड़ी सारी होंगी। मैं ऐसी टीम स्टार्ट करना चाहती हूँ जो सिर्फ स्टरलाइजेशन। आप सर, मैं एक ऐसी टीम स्टार्ट करना चाहती हूँ जो सिर्फ स्टरलाइजेशन की और ध्यान दे ताकि हमारे स्टरलाइजेशन की ओर ध्यान दे ताकि हमारे यहाँ के ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को बचा पाए। ग्रेट, क्योंकि स्टरलाइजेशन सबसे मेन है जी। तो प्लीज मुझे बताएं कि मैं टीम को स्टार्ट कैसे कर सकती हूँ। मैं आपको बताता हूँ हम दिल्ली में कैसे काम करते थे। पीपल फार्म से पहले हम सिर्फ स्टरलाइजेशन करते थे दिल्ली में। तो हमने क्या एक फ्लैट ले रखा था किराए पे जिसमें हमने 6 कुत्तों को रखने की जगह बना ली थी। एक हमने वैन करी दी थी, एक हमारे पास ड्राइवर था और एक कैचर था। तो ये हमारा वो था। अब जो लोग अपने अपने गली के कुत्तों को खाना देते हैं ना, जो फीडर रहते हैं, देखिए स्टरलाइजेशन का तभी फायदा है कि आप एक एरिया को स्टरलाइज पूरा कर दें। नहीं तो जो आपने स्टरलाइज किया वो वेस्ट हो जाता है लगभग, यू नो एक पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं होती। हाँ, पर वो एरिया भी इतना बड़ा होता है। तो हमने तो ये कहा कि माइक्रो पॉकेट्स, एक गली कि भाई इस गली के कुत्ते, इस फ्लैट्स के 20 कुत्ते। फिर उसके बाद फीडर से कोऑर्डिनेट करके ना हम डॉग्स को पकड़ लेते थे और हम फोकस करते थे सिर्फ फीमेल्स पे। क्योंकि देखिए आप मेल्स को स्टरलाइज कर रहे हैं, अगर एक भी मेल रह जाता है वो सारी फीमेल के साथ मेट कर लेगा। फीमेल आप पर फीमेल जो आपको रिजल्ट मिलेगा प्रोपोर्शनेटली आपके जो बर्थ है वो कम हो जाएंगे। तो फीमेल्स पे फोकस करना। डॉक्टर विजय है सोनादि फाउंडेशन के दिल्ली में, हम उनके साथ काम करते थे। आप जिस एरिया में आप भी किसी डॉक्टर से टाई अप कर सकते हैं। तो हम फीडर की मदद से डॉग्स पकड़ते थे, डॉक्टर विजय के यहाँ स्टरलाइज करते थे। अपने यहाँ हम सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते थे और वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी हमें कम दिनों के लिए करनी पड़ती थी क्योंकि इन डॉग्स को हम ऐसे ही नहीं रिलीज कर रहे थे। वी वर रिलीजिंग देम इन द केयर ऑफ फीडर्स कि कोई प्रॉब्लम होती है तो दे कैन ऑलवेज कॉल बैक। तो बाकी ये है कि अगर आप फार्म पे या किसी भी और एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर करेंगी तो थोड़ी आपको और निटी ग्रिटी जो है नॉलेज वो भी मिल जाएगी। ओके ग्रेट। तो हाँ बेसिकली ये की दो अच्छा ग्रेट। एचएचए ग्रुप का आपने 2-4 बार नाम सुना होगा। एचएचए हमारा एक इनिशिएटिव है। बेसिकली ये ग्रुप ऐसा नहीं है कि हम मैनेज करें, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप क्रिएट कर दिया व्हाट्सएप जिसका एक लुकअप हमारी वेबसाइट पे है peoplefarm.org/forward/HHA। उसमें आप अपना पिन कोड डालते हैं तो जो भी निकटतम ग्रुप रहेगा उसका लिंक निकल आएगा। तुम स्क्रीन कर देना कौन सा है। सर मेरा नाम सत्यम पंचल है। सत्यम हाय, मैं 1 जनवरी से वीगन हो गया हूँ। सत्यम के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। बट मैं चाय नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो चाय अभी आप चाय नहीं छोड़ पा रहे कोई बात नहीं, पहले तो आप जो आपने करा है ना उसको पक्का हो जाने दो। कई पता चले चाय छोड़ने के चक्कर में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा
होता है, जब भी दो चीजें इकट्ठी छोड़ने की कोशिश करी वो फिर नहीं होता। और शिवानी जी ने चाय की रेसिपी करी है, आप बताएंगे रेसिपी आगे? यस यस यस, शिवानी कम ऑन से ना बताइए प्लीज। हमारी रेसिपी है, आप चेक कर सकते हैं, कोकोनट सोय मिल्क बादाम का दूध, कोई भी दूध आप इस्तेमाल करेंगे आपकी चाय उतनी स्वाद बनेगी। और मैं कॉफी में भी रोज कोकोनट मिल्क यूज करती हूँ। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और एक ही बार बनाएंगे तो आपके वो 5-6 दिन निकल जाएंगे। डेली लाइफ में गौतम, डेली लाइफ में 4-5 चीजें स्टेप्स बताएं हाउ टू स्टार्ट, क्या करें सफरिंग फुटप्रिंट रिड्यूस और लेस कंजम्पशन, लेस केमिकल्स। सत्यम मेरे को एक मिनट लगेगा कि कौन सी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट की जा सकती है सफरिंग, सॉरी गौतम मुझे एक मिनट लगेगा। आपके वीडियो को एक साथ फॉलो करो, पर्सनल लेवल पे कुछ इसलिए आपका परफेक्ट है क्वेश्चन, सफरिंग फुटप्रिंट कैसे कम करना। देखिए मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगा, आई थिंक कि अगर अब जैसे हम इतने सारे लोग हैं इस समय, इससे पहले कि लोग जाना शुरू करते मैं ये बात करना चाहूंगा कि अगर हमें बदलाव लाना है ना तो स्टेप नंबर 1 यही है कि जो भी हम कुछ गलत कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करें, पता हमें होता है कि हम क्या कर रहे हैं गलत। सेकेंड, जिस भी सामाजिक मुद्दे के बारे में दिल से आवाज आती है उस बारे में भी कुछ भी करें, चाहे कम करें पर करें, ये स्टेप 2 है। एंड स्टेप 3 है कि हम अपने किसी दोस्त को ये तीनों चीजें करने के लिए कहें, 1-2-3। तो यही तरीका है चेंज को बढ़ाने का। तो अगेन इसका स्टेप नंबर 1 ही है जो आपका क्वेश्चन है कि हम सफरिंग फुटप्रिंट अपना रिड्यूस कैसे करें। तो देखिए बहुत से तरीके हैं, मोटा मोटा अगर आपने करना है ये डेयरी का सफरिंग फुटप्रिंट काफी है, मीट का सफरिंग फुटप्रिंट काफी है, तो ये चीजें आप कम रिड्यूस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अपना उनसे प्लास्टिक का थैला मत लीजिए, क्योंकि थैलों से गाय मरती है, ये मतलब हम तो देखते हैं, क्योंकि गाय मरती है आप पेट ऑपरेशन करो उसके अंदर प्लास्टिक रहता है, तो टोट बैग्स लेके जाएं। फिर पानी की बोतलें ना खरीदें, अपनी बोतल कैरी करें, जितना हो सके घर में खाना खाएं, ठीक है, मतलब जितना आपका जीवन सिंपल रहेगा, जितनी आपकी कंजम्पशन कम रहेगी उतना सफरिंग फुटप्रिंट कम होगा। जैसे मैं पुराने कपड़े में खरीदता हूँ, जैसे हमारे यहाँ मेकलॉड में एक दुकान थी डर्टी लॉन्ड्री करके, तो उनसे पुराने कपड़े ले लिए, अब तो खैर मुझे बहुत पुराने कपड़े लोग दे ही जाते हैं, फार्म पे वॉलेंटियर वगैरह होते हैं, तो ये एक सफरिंग फुटप्रिंट कम करने का तरीका है कि आप कोई भी चीज नई मत लो। और साथ ही साथ पता है ये जो छोटी चीज है ना, अब इसमें आप बड़ा एक्सट्रीम भी जा सकते हो, एक्सट्रीम जाने का कोई फायदा नहीं है, जैसे आप बिल्कुल साधु सन्यासी बन जाओ लोग उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसी चीजें करो जिससे लोग कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे एक मित्र आएंगे छवि, इन्होंने अपना जैसे घर में प्लास्टिक वेस्ट का भी रिड्यूस किया है, आप बताना चाहोगे कैसे किया आपने? सॉरी नहीं नहीं, पर वो तो आपकी इंस्पिरेशन थी, आपने कम किया कैसे? मैं ये ब्रॉडकास्ट करूंगा अभी, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं फिर आगे करूंगा। तो अगेन शॉपिंग करने जाए तो अपना थैला ले गए, ऑनलाइन नहीं खरीदी चीजें, जो खरीदना है लोकल स्टोर से खरीदना है, खरीदो तो बल्क में खरीद लिया। और साथ ही साथ इन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली इस बारे में, तो खुद तो इन्होंने ये किया ही किया, 4 लोगों को और इंस्पायर किया, तो सफरिंग फुटप्रिंट ऐसे कम होगा। डज दैट मेक सेंस या नहीं? सफाई के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं। हाँ जी, मतलब मेरे को चैलेंज आता है, मतलब मैंने कुछ शुरू नहीं किया, जैसे हार्पिक वगैरह यूज करते हैं,
बाथरूम को साफ करने की जी मेरे को बहुत आसान तरीका नहीं नहीं मैंने मकान शिफ्ट किया है हाँ। अब मुझे सफाई करनी है तो मैंने किसी से पूछा जो प्लम्बर आया ठीक है सर एक केमिकल आता है 180 रुपए का आप लगा लो टाइम का समझ जाएगा उन चीजों के लिए क्या कर सकते क्योंकि पता है केमिकल गलत है ये पानी की बहुत ज्यादा धो दिया तो पानी की वेस्टेज है चाहे वो ग्राउंड वाटर है या सफाई का तो जैसे आपका भी रेजिडेंशियल एरिया है तो आप क्या करते हैं इसके बड़े ऑल्टरनेटिव या जैसे ऑल्टरनेटिव एक तो ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं थिंग इज की जैसे हार्पिक वगैरह का तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो आपका बायो एंजाइम आप कुछ भी घर पे फर्मेंट करके बना सकते हो कोई भी चीज अगर जिसमें शुगर रहेगी ना शुगर में एक बार आपके ये आ गया एसिडो बैक्टर आ गया जो कि वायल्ड बैक्टीरिया रहता है आप बेटर बता पाओगे नहीं 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 अगर यीस्ट आ गया तो आपका अल्कोहल बन जाएगा एसिडो बैक्टर आ गया आपका एसिडिक एसिड बन जाएगा ये दोनों चीजें ही क्लेंजर का काम करती हैं तो ये इसकी मैं पूरी रेसिपी तो आपको इस समय मतलब बहुत वैरायटीज हैं सिंपल भी है कॉम्प्लेक्स भी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे बायो एंजाइम की तो आपको मिल जाएगी दूसरा ये फेसबुक पे ग्रुप है जीरो वेस्ट वॉरियर्स आई थिंक जीरो वेस्ट करके जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल तो आप उससे जुड़िए उसमें आपको और अपने ऐसे लोग मिलेंगे और वहां से आपको बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे to others who want to pursue similar approach in life either through franchise or training. ये क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा किसी का आपका नाम अंशुमन सॉरी आपको बहुत नहीं नहीं कोई बात नहीं अंशुमन जी का पूछना है do you have any plans to share your skills and knowledge to others who want to pursue similar approach in life either through franchise or training. Franchises हम इतना तो commercial नहीं है पर training हाँ अभी हम लोगों ने अभी एक work exchange program शुरू किया है जिसमें क्या कि पहले हमारा वर्क एक्सचेंज प्रोग्राम था जिसमें हम स्किल्ड लोगों को लाते थे कि स्किल्ड वेट्स आ गए स्किल्ड मीडिया वाले आ गए और हम उनका रहना खाना करते थे वो काम करते थे अभी क्या है कि जो लोग स्किल्स लेना चाहते हैं जैसे आपने कहा चाहे वो कम्युनिकेशन हो गया प्रोडक्ट्स बनाना हो गया वेटनरी केयर हो गया फार्मिंग आप आए दिन में 4 घंटे आप सीख सकते हैं जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं और उसकी फी के बदले 2 घंटे आप हमारे साथ काम करेंगे जिसमें हमें आपकी आवश्यकता है तो आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन आई वाज फॉलोइंग अप ऑन दैट तो उसमें आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन दैट प्लान वाज स्टॉप सब कुछ वो तो हिल गया था ना अब सब नॉर्मल है देवभूमि लॉकडाउन में भी हमारे यहाँ सब नॉर्मल था सरकार को ज्यादा तकलीफ थी व्हाट वाज द चैलेंज इन आशा भास्कर जी What were the challenges you faced when people farm was started? सबसे पहले तो आशा जी मेरा चैलेंज ये था कि मुझे पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ यू नो बिकॉज आई हैड दिस आइडिया कि भाई हमें ये कुछ शुरू करना है बट एक पाइनाइट वो नहीं था तो दैट वॉज वेरी डॉन्टिंग जब तक आप एक स्ट्रक्चर में रह के काम कर रहे होते हैं ना तो वो चीजें आसान होती हैं अब आपके पास लिबर्टी है टू डू एनीथिंग दैट कैन बी वेरी स्केरी सेकेंड जो चैलेंज था वो कि लोग जो लोकल आसपास लोग थे दे डिडंट ट्रस्ट अस बिकॉज दे वर लाइक कि यार सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है ये कौन पागल आ गए हैं पैसा खर्च करके दूसरों की मदद करें तो दे डिडंट ट्रस्ट अस दे वर लाइक कि कुछ और ही कहानी होगी वो एक बड़ा चैलेंज था जहां पे आपने रहना है वहां लोग आप पे भरोसा नहीं करते तो हमने कुछ प्रोग्राम्स किए जैसे हमने एक शुरू किया था गूगल फॉर गर्ल्स ये शिवानी की देखरेख में हुआ था तो जो लोकल गांव की लड़कियां थी हमने कहा कि हमने गूगल करना सिखा देंगे कि उसके आगे किसने कुछ भी करना है मुझे आईएएस बनना है वो पहले गूगल करना आ जाएगा तो आगे की जानकारी मिल जाएगी तो उसके माध्यम से हम थोड़ा कम्युनिटी जो भी इंटीग्रेट हुए कि वो आई उन्होंने देखा नहीं ऐसा नहीं है अब मुझे अंग्रेज कहते हैं वहां सारे कि भाई अंग्रेज ठीक है बाहर जाके ये रिपोर्ट गई फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई पहले एनिमल्स के साथ फिर प्रोडक्ट्स के साथ तो फिर लोगों ने और भरोसा करना शुरू करा वॉट आर द करंट चैलेंजेस अगेन करंट चैलेंजेस ये है कि देखिए अब एक चीज हमने शुरू कर ली है पर उसका फ्यूचर सर्टेन करना कि भाई इसका सक्सेशन प्लान क्या रहेगा अब इट्स नॉट लाइक कि 3 लोगों का एफर्ट नहीं है जैसे हमने कहा 38 लोग हैं अब मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस हैं और ये काम मैंने कभी किया नहीं है जब मेरी यूएस में भी स्टार्टअप थी वो हमारी 7 लोगों की स्टार्टअप थी कि अंधेरे वाले कमरे में बैठना ये चीज दैट इज वेरी डिफरेंट देन ए फार्म एनिमल वेलफेयर ये मैनेज करना
तो मैं YouTube पे वीडियो देखता रहता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज। एक जो मेरा पर्सनल चैलेंज था वो ये था, मुझे बात नहीं करनी आती थी लोगों से, मैं थोड़ा लट मार हूँ। तो मुझे बता था कि यार मैं ये कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो व्हाट जब वो चैलेंज जो है ना वो ओवरकम मैंने किया, जब आई थिंक मेरे को एक सिंपल सी बात पता लगी कि जो आप कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको कैसे कह रहे हैं। तो जब ये मुझे समझ में आ गया कि यार ये मेरा प्रॉब्लम सेट है, तो उसके आंसर अगेन यूट्यूब। प्रोसेस टू ज्वाइन पीपल फार्म टीम, देखिए सबसे पहले तो कोई आता है एज वॉलंटियर ही आता है, हम उसको काफी ग्रिल करते हैं, अगर वो फिर भी भागते नहीं तो फिर वो वर्क एक्सचेंज पे ग्रेजुएट होते हैं, जहां वो सिर्फ रहने खाने के एवज में हमारे साथ काम करते हैं। फिर हमें लग जाता है कि भाई ये ठीक है लोग, क्योंकि ऐसी जगह ना थोड़े उन लोगों को भी अट्रैक्ट करती है जिनकी लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती हैं। और जब वो फार्म पे आ जाते हैं, आइसोलेटेड से होते हैं, शाम को 7 बजे के बाद करने में कुछ होता नहीं, तो वो चीजें और उभर के आती हैं। तो अगर वो 3 महीने हमें जेल जाते हैं, हम उन्हें जेल जाते हैं, फिर वो एज एम्प्लॉय जुड़ते हैं। तो आइए चलिए, व्हाट आर द फूड आइटम्स व्हिच यू कैन गिव टू पेट्स लाइक डॉग्स कैट्स अपार्ट फ्रॉम मार्केट डॉग फूड। डॉग फूड का तुम्हारा वीडियो है यूट्यूब पे, बिल्लियां मुझे खैर बिल्लियों का मुझे इतना नहीं पता, बिल्लियों के साथ समस्या ये है दे आर ऑब्लिगेट कार्निवोर्स। तो डॉग्स जो है स्कैवेंजर होते हैं, तो डॉग्स को तो आप वीगन भी रख सकते हो। बिल्लियों को नॉनवेज देना पड़ता है, तो मेरे को लगता है कि बिल्लियों के लिए तो यही है कि वो वाली रखो उन्हें आउटडोर कैट, कि भाई बाहर जाए गिलहरी खा ले, चिड़िया खा ले, इनके पास पेट गिलहरी है, गिलहरी खा ले, चिड़िया खा ले, चूहे खा ले, वो अपना करे मैनेज। ब्रिंग हाँ दिखाने लाती है वो मरा हुआ, हाँ हाँ लाती है वो। समटाइम्स दे इवन ट्राई टू टीच देयर ओनर्स टू हंट, कि दे ब्रिंग हाफ डेड। उनको ये होता है कि उनका मालिक देखे कि वो बिल्लियां उनको मार के लेके आई है। मुझे बिल्लियां सुनना, मुझे ना बिल्लियां इतनी समझ नहीं आती, नॉट अ वेरी कैट पर्सन। मुझे गाय ज्यादा पसंद है, कुत्ते भी ठीक है। हाउ पीपल फार्म हाउस स्टार्टेड, ये तो मैंने शुरू में जवाब दिया लॉरेन वाली स्टोरी के दौरान दिया, वीडियो है फेसबुक वीडियो है, फेसबुक पे पिंड है, तो बोर कर दूंगा लोगों ने। आप सबकी हैंड राइटिंग देख के मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मेरी माँ मुझे सुलेख कराती रह गई, पर हो ना पाया। महात्मा गांधी की भी हैंड राइटिंग बहुत गंदी थी, यही सोच के मैं अपने आप को, पर ही वॉज लाइक लेटर ऑन ही वॉज ही रिग्रेटेड की मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है। बट यू डोंट नीड टू रिग्रेट ना, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ जनरेशन दैट डजंट डिपेंड ऑन हैंड राइटिंग टू कन्वे थिंग्स। हाँ करेक्ट, यस थैंक्स। इनका नंबर हुआ अंकिता सक्सेना, वो यहाँ पे है नहीं, उन्होंने मेरे थ्रू मैसेज, उन्होंने पूछना एक चाहे चीज एचएचएल लखनऊ की तरफ से, तो उन्होंने कहा था आप जा रहे हो तो मेरा क्वेश्चन, तो फिर मैं उन्हें फोन करके ना बताऊं वीडियो वो है वो जुड़ी हुई है हमें कैसे बताओ, नहीं इस पे भी है और लाइव भी है जुड़ी है। अंकिता जी आप है, देखो ये आया गया, बताइए मैम, आप मुझे रेडियो की तरह ऑन कर दिया है ना। If we know a shelter who doesn't take their business seriously and even after provision of food and donations they don't feed pups properly or give medical care, apart from writing about that on social media, what can be done? Since they have some influential people involved, it gets difficult. यार ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए मुझे ये बताइए अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऐसा है जो इसको भारत सरकार फंड करती है तो उनकी जवाबदेही इस तरह बनती है सरकार के प्रति, पर जो बाकी नॉन प्रॉफिट्स हैं उनका तो यही है कि वो अपने रेपुटेशन पे सर्वाइव करते हैं, तो रेपुटेशन ही उनके लिए सबसे जरूरी है। पर फिर भी ये देख लीजिएगा कि क्या वो असल में कुछ खराब कर रहे हैं या ये सिर्फ आपका एक, नहीं सर कर रहे हैं, वी हैव एविडेंस आल्सो, हम लोगों के पास हैं ऐसी चीजें, फिर तो आप उस बारे में लिख ही सकते हैं, और तो क्या ही है मतलब देखो, तो और मतलब वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं और साथ में ब्रीडिंग भी करते हैं और इस चीज पे, और अगर दोनों चीजें इलीगल नहीं है, जो ब्रीडिंग है वो भी इलीगल नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इलीगल नहीं है, एथिकल नहीं है, पर तो ये इस बारे में आप सोशल मीडिया पे ही कह सकते हैं। मान लीजिए पीपल फार्म ही है जैसे, ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए हम एक बार ही सोच रहे थे कि हम काउ इंसेमिनेशन शुरू करें, वैसे हम वीगन है, मैं आपको बताता हूँ झटका लग गया आपको है ना, नहीं क्योंकि थोड़ा साइडवेज जाऊंगा मैं, गाय जो है ना गांव में लोग जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूध देना कम कर देती है,
अब वो दूध देना जल्दी इसलिए कम कर देती है, जो इंसेमिनेशन कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो वो बंदा आता है सरकारी और वो जो सुई लगाता है वो डर्टी रहती है बहुत ज्यादा, तो वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते नहीं, तो गाय जल्दी खराब हो जाती है, खराब मतलब जल्दी अनप्रोडक्टिव हो जाती है। तो हमने कहा कि भाई लोगों ने तो ये सुई लगवानी लगवानी है, अगर हम सुई लगाएं तो हम तरीके से लगाएंगे, तो जो गाय को ये 3 साल में अबैंडन कर रहे हैं 6 में करेंगे। तो पहले जो भी ये लोग कर रहे हैं आप उनका वो रीजन जान लीजिए। अभी तो एक साइड की स्टोरी है और उसमें भी आपको लगता है कि नहीं ये करप्ट है, ईवल लोग हैं, तो फिर आप लिखने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, आप एक बार लिख के दे देंगे ताकि प्रोटोकॉल से ही चलेंगे ना कि सर सबके लिए होगा क्या पता ना। हाँ जी हो जाएगा। नलिन जी दिस इज टेल अस अबाउट द पीपल फ्रॉम होम स्टे। तो पीपल फार्म जब हमने बिल्डिंग बनाई ना, जो सबसे पहली बिल्डिंग थी वो थी, जब क्योंकि जब हम गए वहां पे जहाँ पे हम रह रहे थे वो कच्चा मकान था, तो बिल्कुल रनिंग वाटर भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो सबसे पहले हमने रहने के लिए घर बनाया, उसी घर में जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पे आके वॉलंटियर्स रहते थे, तो दैट वॉज आर फर्स्ट फार्म स्टे। पर हमारा काम बढ़ा, प्रोडक्ट वगैरह बढ़ा, तो ऊपर वाला सारे कमरे में काम शुरू हो गया। फिर हमने 3 नए मड बंगलोज बनाए, दैट वॉज द पीपल फार्म फार्म स्टे। पर हमारी जब टीम इतनी बढ़ गई कि हमें अपने स्टाफ के लिए जगह नहीं थी, तो वहां सब कुछ स्टाफ है, तो इस समय जो हमारा होम स्टे है फार्म स्टे जो है वो बंद है। आसपास विलेजर्स ने होम स्टे खोली है, वहां पे लोग रह सकते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ, हमारे अब हमने 2 पीसेस ऑफ लैंड लिया, हमारा प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। पीपल फार्म 2 एकड़ में, हमने 2 एकड़ एक एक एकड़ जमीन और लिए, एक जगह हम अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं पूरा बड़ा, और रेस्क्यू वहां पे रहेगा, फार्म पे सिर्फ रेजिडेंट एनिमल रहेंगे। एक और जो एकड़ है जहाँ पे हमने काउ शेल्टर खोलना था, क्योंकि काउ शेल्टर तो फार्म में ही आ जाएगा, वहां पे वी विल मेक अ न्यू फार्म स्टे, जो पूरा वो होगा सस्टेनेबल, सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, सो इट वोंट बी फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। नो बट आई हैव अ सजेशन ऑन दिस, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। रिसेंटली ऑन सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक, लिंक्डइन एंड वेरियस अदर प्लेसेस, वन गाय आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट स्ट्रे डॉग बीइंग अ टेरर। सो आई एंगेज्ड विद हिम एंड ultimately he and I talked on phone, and he had a spear, but his kids also like dogs. So I just explained it to him and I sent him some videos. I thought I had sent some videos, I've not yet sent him, about wolves making friends with humans and all. But the guy was convinced just by talking about this phrase. And he says, okay, so now I know that I just have to carry dog food, and if we throw dog food to the strays, then they will not bite anybody. So my problem is solved. I don't need to start a campaign to kill the dogs. Thank you so much. After talking to me for around 58 minutes. So I thought after that see, after taking his email ID, that I'll also send him links to your people farm and all. And I'll say that since you are homeschooling your kids, why don't you go and visit something like this? Why don't you see this guy? It will be a nice exposure, because that guy has written 2 or 3 books. And at that time I didn't know, but later I learned that he manages social media pages of a political party with millions of followers to the pages. So I just thought that if I direct him to that, and he per chance goes there just as a way of showing his kid ki ye video wale uncle ki ye farm hai, to indirectly it would really indoctrinate him in a positive way. And indirectly there are a million people from very well to do backgrounds who eat chicken and all, who will come for a week or come for 4 days to your homestay, and they will go back with 100 ideas. Isliye to humne Robin Singh ji ko sunne aaye hain. हमने फार्म से इसीलिए ही शुरू किया था कि लोग आगे इन्वॉल्व, मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो सुना सके। हमने फार्म से इसीलिए शुरू किया था, जब वीडियो वगैरह हम कुछ भी नहीं करते थे, हमारा मुद्दा जो था ना, लाइक मैंने आपको बताया कि हाउ टू हेल्प एनिमल्स हील एंड बी हर्ड, जो हर्ड पार्ट था दैट वॉज इन्वॉल्व एंड इंस्पायर। तो वॉलेंटियर जो पहले 500 वॉलेंटियर आए हमारे साथ रह के ही काम करते थे, बट अब अगेन थिंग्स हैव ग्रोन सो बिग कि हमारे पास फार्म से है नहीं, पर फिर भी हम फार्म से शुरू करेंगे। दूसरा ये कि यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि आपका टाइम मोस्ट एफिशिएंटली कहाँ यूज है। अगर उतने ही टाइम में आप लाखों लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, आपको रोज 10-20 लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने, जैसे मुझे कल एक ईमेल आई कि किसी ने एक ब्रीड डॉग खरीदा था, और उन्होंने वीडियो देखने के बाद अब उसको डिसाइड किया कि वो स्टरलाइज करा के अडॉप्ट कर देंगे।
So I think that is a more effective use of our time. Ultimately, time is a very finite commodity. है ना? So आप जो कह रहे हो ठीक है और हम फ्यूचर में करेंगे. फिलहाल our time is better spent on like what we are maybe doing. Maybe okay. I think if we like we can like okay, I'll just take 10 seconds. Okay, I'll give you my number. But I'll just take 10 seconds more. My suggestion is that just like we are training these ladies, na, train them about vegan cooking and have people farm certified vegan homestays. So if you have a list of 10 vegan homestays, 100 more will say that list us also on our website. Probably, that's and you say that we will check random checks ki, do you have vegan coffee, do you have vegan tea, do you have vegan milk alternative, do you have this? And you can implement it for the villagers and list their homestays. So they are getting publicity and you are creating a community of vegans where people like this can come and stay for different categories of budget and quality. Just a thought. Yeah, good thought. I mean, something to chew on, yeah, for yeah. Sure. How to deal with? Hater. How to deal with throw away the dog weddings, picky for the dogs. Definitely job there, though. Nalin, aapka dusra question hai, how to deal with dog haters who throw dog weddings? Yeah. इग्नोर ही कर सकते हो आप और कुछ कर नहीं सकते. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे दैट्स ऑल अगेन लाइक आई सेड कि मेक पीपल रियलाइज कि भाई ये अगर हम कर रहे हैं उससे उनका क्या फायदा है. पूनम जी माँ मैं वो सब करती हूँ जो आप बोलते हैं. मारने से लोगों को रोक सकते हैं लेकिन पुलिस को रोकना कि आप ऐसे नहीं मार सकते. मेरे पति पुलिस में है. उनको नौकरी से निकलवाने की धमकी दी जाती है और झूठी एप्लीकेशन लगाई जाती है. मैं कहाँ जाऊं. पूनम जी कैन आई गेट बैक टू ऑन दिस. ये मेरे मतलब मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में. मेरे पास कोई जवाब है नहीं. आई एम सॉरी. मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ. मैं किस से किस रैंक के पुलिस वाले हैं ये सब. 2 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, 1 स्टार भी है. तो फिर इनके ऊपर वाला ढूंढना पड़ेगा. नहीं नहीं ईमेल से तो नहीं. मेनका मैम ने मुझे रिस्पॉन्स दिया. हाँ उनको डाटा. हाँ तो अब उन्होंने सारी कंप्लेंट में झूठा लिख दिया कि ऐसा कुछ हो कि इसकी जॉब ही छोड़ी. तो ये दिल्ली पुलिस है. दिल्ली पुलिस नहीं हेल्प करती. तो दिल्ली पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो करना चाह रहे हैं छुप के कर. आपका नंबर है. मैं आपको एक कॉल करके अच्छे से समझूंगा. एंड देन जो मेरे पुलिस में कुछ मित्र हैं जो हाई रैंकिंग हैं एक बार उनसे बात करके मैं आपको ठीक बात बताना चाहूंगा. ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं जिसकी सेंस ना बने. ठीक है. बाकी आपके कहने पे मैंने ग्रुप भी बनाया पुलिस में. हमारे पुलिस वाले नहीं आना चाह रहे. वो मुझे आगे अच्छा ठीक है. मैं बोल देता हूँ बड़े सारे क्वेश्चन. सत्यम पंचल जी आ गए. आपके जो क्वेश्चन है कि पीपल फार्म पे कैसे आए, कहाँ रुकना है, वॉलेंटियर. अगेन ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये वेबसाइट पे टोटली आंसर्ड है. डायरेक्शंस भी, होम स्टे भी लिस्टेड. ठीक है. बट अगर जो यहाँ से आते हैं ठीक है तो अब ये तो है नहीं कि एक दिन में आप आना जाना कर लोगे. करें ठीक है. तो कहाँ रुक सकते हैं वहाँ. वो भी सब वेबसाइट पे लिस्टेड है. क्या वहाँ पे होटल्स वगैरह अवेलेबल सब है. सब होम स्टेज है वो लिस्टेड है. ये बेटर जो आपको ना अगर आप नमस्ते एट पीपल फार्म पे ईमेल करोगे ना तो वो आपको पूरी डिटेल में दे देंगे. ठीक है. रमता शर्मा रॉबिन जी आजकल बिजी लाइफ होने की वजह से लोग बहुत कम ही हेल्पिंग नेचर के दिखाई देते हैं. ये लेकिन आप बेजुबानों का दर्द समझ रहे हो ये बहुत सराहनीय है. थैंक यू. मैं आपके काम से काफी प्रेरित हूँ लेकिन जब अपने ग्रुप में पीपल फार्म की मैं सॉरी अपने ग्रुप में पीपल आपका मुझे साथी नाराज हो गए. वो नॉन वेजिटेरियन है. उनका कहना है कि आहार श्रृंखला जो है वो बनी रहनी चाहिए. ऐसे लोग मानव श्रृंखला वाली बात पर आपका क्या कहना है.
देखिए दो तरह के लोग हैं, कुछ तो वो हैं जो एक्चुअली में उनको ये फूड चेन का जो कॉन्सेप्ट है उनको गलत लगता है, क्योंकि जो हमारी वो बायोलॉजी में दिखाया गया था वो ऐसे ट्रायंगल जो भी रहता है उसमें, अब हम जंगल से बाहर आ चुके हैं, हम कोई प्रेडेटर नहीं है हमारे पास, और वैसे भी जो जानवर हम खा रहे हैं वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये बात उन्हें समझनी, कई लोगों को समझ में आएगी, लेकिन कई लोग इसको सिर्फ एक बहाने की तरह इस्तेमाल करें, तो जो सोए हुए हैं वो आपके समझाने पे जग जाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, मैं उस पे आता हूँ। जो मरे हुए हैं उनको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। अब जो सोए हुए हैं ना, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि उसको बताया जाए कि कैसे करूं, मेरी खुद की आदत है, मैं कुछ करना भी चाह रहा हूँ, मुझे कोई कहे ये करो मैं कहूंगा क्यों करूं मैं बंदा एकदम डिफेंसिव सा हो जाता है। तो एक तो जिस दौरान वो मान लीजिए वो नॉनवेज खा रहे हैं, दैट वुड नॉट बी द राइट टाइम टू ब्रिंग इट अप। आगे पीछे आप बात करिए और अपने एग्जांपल से भरिए, जैसे मेरे को किसी से वीगनिज्म की बात करनी है तो मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे पिज्जा पसंद है बड़ा, पर अब गाय मरती है मैं क्या करूं, मैं फंस गया, तो वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई पसंद तो इसे भी है, पर हाँ भाई इसको जानवर का दर्द है, तो उसको भी अगर होगा तो वो उस डायरेक्शन में चल जाएगा, नहीं तो ये हो सकता है कि आपने जो बात कही उनके दिमाग में बैठ जाए, वो उस पर काम ना करे, जब अगला बंदा कोई बात करे तब वो शायद इस बारे में सोचे। कल हमारे यहाँ एक्चुअली जसमीत थे, जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म के आदमी ने वो आ रहे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब उनको पहली बार किसी बंदे ने वीगनिज्म वगैरह की बात करी तो उनको कहा कि ये क्या पागल बंदा है, चार महीने बाद उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो उन्हें मैं बेटर लगा तो हीरो तो उस बंदे ने मेरा काम आसान कर दिया, तो या तो आप बदलाव ले आएंगे या आप अगले का काम आसान कर देंगे। क्या कर सकते हैं ना, मुर्दों को तो या तो दबा सकते हैं या जला सकते हैं। धारक या धड़क, धारक सॉरी, अरे धारक का कोई सवाल नहीं है, उन्होंने कहा सारे आपके वीडियो से जवाब मिल जाते हैं। ओ फर्स्ट जैन 2021 से धारक भी वीगन हो गए, थैंक यू। तो आप लोग कहते अभी तो आपने मुझे एक पर्सन दिया, पर ऐसे कमेंट्स भी आते रहते हैं ना, तो हमें एक फीडबैक मिलता रहता है कि यार हाँ जो हम कर रहे हैं, हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो वर्थ इट है। और तो मैं कभी बार प्रेयर भी करता हूँ आपको भगवान इतनी शक्ति दे और कभी तोड़े ना वीडियो से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा भगवान में बड़ा विश्वास है, हमारे यहाँ जो फार्म पे वॉलंटियर आते हैं उनको लगता है कि उनको थोड़ा ये वो लगता है आपकी वीडियो भी अर्थ नो अर्थ अभी लेटेस्ट। हाँ अरे नहीं नहीं आप ऐसे मत कहो सर, सच्ची में मेरे हिसाब से तो फिर भी आप कहो मत, क्या बात कर रहे हो, कई चीजें नहीं होती कहने वाली। हेलो रॉबिन, रीना सक्सेना, रीना जी है ना, या देश इज, वी बीन फॉलोइंग पीपल फार्म फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी वांट टू स्टार्ट अ सैंक्चुअरी जस्ट लाइक इट इन द यूएस। We are a family of three, two college grads and a single mom. You are citizens, okay. We are vegan, yes, and anti-natalist, okay. We are planning on location being in California and we need your advice on how to take this forward. Veera, meri ek friend hai, jinki California mein hi sanctuary hai, people farm jaisi. To main aapko unse connect kar dunga. Her name is Madhulika Singh. To main aapko unse कनेक्ट कर दूंगा, दे शुड बी एबल टू गाइड यू बेटर, बिकॉज यूएस में काम करना और इंडिया में बहुत फर्क है। इंडिया में यूएस में तो 6 करोड़ रेगुलेशन भी हैं। सर वहाँ पर एक नाम के डोडो नाम का भी है। हाँ वो दैट इज नॉट अ सेंचुरी, वो तो मीडिया कंपनी है, वो उन सारे चीजों को हाईलाइट करते हैं, तो दैट्स ओके राइट, मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा। यश हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, आते ही आपने काम लगा दिया मेरे। Do you credit the founding of people who have a sound financial condition? If yes, how important was that? यश का कहना है कि पीपल फार्म की शुरुआत का जो श्रेय है वो मैं अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति को क्या देता हूं, और अगर हाँ तो वो कितनी जरूरी थी,
देखिए यश डेफिनेटली उससे एक फर्क तो पड़ता है आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए कि आदमी को ना अपने 8 घंटे बेचने पड़ते हैं खाना खाने के लिए, तो वो जब टाइम होगा तो ही आप कुछ कर पाओगे। सेकेंड मेरे लिए कुछ डिसीजन आसान होगा कि भाई लैंड खरीदना है चलो खरीद लिया, बट अगर मैं नहीं भी खरीद पाता, मैं आपको अपने एक फ्रेंड की बात बताता हूँ। मेरा जो फ्रेंड है केपी, वो जर्नलिस्ट था, वो भी सिटी लाइफ छोड़ के लगभग उसी समय उसी लगभग ये एरिया में आ गया था, लेकिन उसका मुद्दा फर्क था। उसको था कि भाई मुझे सारा दिन शराब पीनी है, भांग पीनी है और काम नहीं करना, लेकिन खर्चा चलता रहे। तो केपी ने क्या किया, केपी ने एक मड हाउस जो है रेंट पे ले लिया, ठीक है, उसने उसका होम स्टे बना दिया, वहां पे आते थे लोग और अपना वो उसका काम था सिर्फ उनको भाई खाना खूना बना के देना, एंटरटेनमेंट तो जब भाई खुद केपी पी रहा है और खुद वो भांग पी रहा है तो वो एंटरटेन भी थे, लोग खुश थे, टिप भी अच्छा कर जाते थे, उसने अच्छा पैसा भी कमाया। तो उसका खैर पॉइंट हेडोनिज्म था, पर सिमिलर चीज आप एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं, आप रेंट पे लेके भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके जो फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो आप इतना जैसे आपको कि भाई मेरा 2 साल का खर्चा है, अगर 2.5 लाख रुपए खर्चा है मेरा, ठीक है, भाई 10,000 रुपए आपका महीने का सिंगल बंदे का खर्चा है, 20 ले लो तो आपका 2 साल का आप खर्चा लेके चलो 5 लाख रुपए और उसके अलावा जो भी आपको इनिशियल रेंट वेंट की कॉस्ट है, तो अगर आप 5 या 10 लाख रुपए जोड़ लेते हैं तो आप ये शुरू कर सकते हैं डेफिनेटली। क्या मैं अपना कारण बता सकता हूँ अगर आप लोग इजाजत दें क्वेश्चन पूछने की? आई नो सब रॉबिन जी को सुनना है बट अंकल जी इफ यू परमिट। सो आई जस्ट कम्प्लीटेड, मेरी अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई है एंड आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स बी इट ह्यूमन हेल्पिंग एनिमल्स या पीपल फार्म से जुड़े हुए हैं। सो आप जहाँ आगे जाके पीछे आए, यू टुक अ स्टेप बैक, मतलब आप बाहर गए, आपने काम किया, आपने नौकरी की, यू अर्न ऑल दैट एंड देन यू स्टार्टेड दिस। बट ऐसे कई लोग हैं जैसे आप लॉरेंस ऑरोविल में मिले, ऐसे मैं भी एक लेडी से मिला जिनके अपने पास खाने के लिए नहीं है, वो स्लम में रहती हैं, उन्होंने अपना एक कमरे का मकान छोड़ के वो स्लम में इसलिए शिफ्ट हुई कि वो स्ट्रे डॉग्स की हेल्प कर सके जिनका कोई नहीं है, जिनके ऊपर ट्रक चढ़ जाते हैं या जिनपे डॉक्टर्स वेट्स गिव अप कर देते हैं। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड, तो वो इंस्पिरेशन को लेते लेते शायद मेरी फैमिली बेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन में इस टाइम पे नहीं है, सो वो सब सोचते हैं, वो सब आपके दिमाग में चलता है, तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आपकी फैमिली है या आपके पास फाइनेंसिस नहीं, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो हेल्प चाह के भी नहीं कर पाते। ह्यूमन हेल्पिंग एनिमल्स में भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कई सारे एनिमल्स डॉग्स नहीं बच पाते। सो ये मेरा कारण है क्वेश्चन पूछने के लिए। डेफिनेटली लुक मनी मेक्स थिंग्स इजियर, मतलब पैसा भगवान तो नहीं है, इट कम्स प्रीटी डैम क्लोज, इट मेक्स थिंग्स हैपन। तो मैं पर ये भी नहीं है कि उसके बिना काम हो नहीं सकता। आप काम अगर शुरू करते हैं एंड यू डॉक्यूमेंट व्हाट यू आर डूइंग, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं एंड दे डोंट फाइंड समबडी ट्रस्टवर्दी, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, राइट? सो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। सेकेंड जो है, हाउ टफ वॉज इट टू फॉर्म गैदर अ रिलायबल टीम विच कुड work in your absence, very difficult, and like your team is all you have, like any company is just its team. आप देखो ना company तो एक like make believe entity है, it's ultimately the people who are work together, who are working together. तो we are constantly just like you know trying to find people. जो हमारा जो सबसे important मुद्दा रहता है ना, अगर skill में अगर वो 19-21 हैं भी, तो the first thing we want is intention. पीपल हु आर वर्किंग बिकॉज दे वॉन्ट टू डू दिस। सैलरी तो इन्हें इसलिए चाहिए कि भाई घर चलाने के लिए तनख्वाह चाहिए, पर हमें वो लोग चाहिए जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, उन्हें काम करना है। एंड देन वी आर वेरी रिलायबल वॉलंटियर्स टू। बाकी घर वाले भी मैंने जोड़ रहे हैं, शिवानी भी यहाँ पे है, साले साहब भी मेरे यहीं से। ज्योत्सना Thank you to all at People Farm for bringing such positive platform for animal welfare and sustainable living. Big thanks to Robin sir. Hey, thank you. This is something we all needed strongly. Now my question of concern is about weaker law or nil laws towards animal protection in our country.
I want to work towards this direction and trying to, but lack direction and guidance. Can you say or help regarding this? This is a strong tool for people like me against cruel people to save and protect animals on street. काम कभी किया नहीं है. मुझे ये पता है कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है उसके लिए एक नया एक्ट प्रपोज है. उसका ड्राफ्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. जहां तक मुझे पता है मेनका गांधी जी स्पीयर हेड कर रही हैं टू इंश्योर इट बिकम्स अ लॉ. सेकंड इज जो लॉज बनते हैं वो फियापो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर मोर इन टू पॉलिसी तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे. मैंने इसके लिए रूल भी है 2 साल की जेल और 75,000 राइट. वो तो एग्जिस्टिंग लॉ है. तो मैं फिर भी आपका ये रख लेता हूँ और अगर मेरे को कुछ रेलिवेंट मिलता है तो मैं आपको ठीक है. जो एक्चुअली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर वर्किंग फॉर एनिमल्स लाइक हम किसी को पीट कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको अपोज करते हैं. सो हम वहाँ पीट करके चले गए वी मेक ऑल द अरेंजमेंट. वो पीछे से क्या करते हैं इफ दे आर यू नो एंग्री विद यू वो उन्हें पॉइजन दे देते हैं उन्हें मार देते हैं उन्हें पिटवा देते हैं. सो ऑल माई एफर्ट गो यू टू वे फॉर दैट. अगर मैं पुलिस के पास जाती हूँ पुलिस क्या करेगी पर कोई लॉ है ही नहीं. है लॉ है. नहीं 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 सॉरी तो लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर लॉ तो है. नहीं पर लॉ तो है ही ना. आप उनको कोर्ट कचहरी में घसीट तो सकते हैं. देखिए वो जो फाइन है इट्स अ नोशनल फाइन. फाइन से कोई नहीं डरता. बात यह है कि लोग पेपर वर्क से कोर्ट कचहरी से तो डरते हैं. हमारे यहाँ पे ये धीरज महाजन जी हैं धर्मशाला में तो लोगों को पकड़ लेते हैं. एक्सीडेंट आपको तो जानते हैं हमने कोई गाय को गाड़ी मार गई तो उसकी गाड़ी जब्त करा देते हैं तो आपको धक्के खाने पड़ते हैं. अगेन वही है धक्के खाने. हाँ बट लाइक इफ यू मेक दैट योर पॉइंट की भाई जैसे हमारे को हम कहते हैं कि हमारे पास जो समय है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं एनिमल्स की हेल्प करने में और अवेयरनेस. हमने अपने 2 मुद्दे चुने. तीसरा हम स्पेंड कर रहे हैं कम्युनिटी में फिर एजुकेशन. तो अगर आप अपना समय पॉलिसी पे देना चाहती हैं तो फिर आप अपने वही है वकील मित्रों से जुड़िए ठीक है और इसी में फिर आगे काम करिए और उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए. एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको आसान लगेगा. पुलिस वाले भी जान जाएंगे कि आ गई कोई मैडम है चलो कर देते हैं इसको अंदर नहीं तो ये सर खाएगी. तो स्क्वीकिंग व्हील गेट्स द ग्रीस. बट आई हैव लॉस्ट सम डॉग्स बिकॉज़ ऑफ पीपल वर एंग्री विद मी एंड दे गिव पॉइजन टू माय डॉग. आई कुडंट सेव पर अब आने वालों के प्रति वही है ना. देखिए मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी आपको हो सकता है बात बैठी लगे. मान लो कि कोई BMW वाला गाड़ी को कुत्ते को मार जाता है वो BMW वाले को सजा दिलानी जो है थोड़ी ज्यादा ट्रिकी रहेगी. उसके पास संसाधन है. कभी 800 वाला भी मारेगा उसका पकड़ के एग्जाम्पल बना दो ठीक है ना. बाकी लोग डर जाएंगे. मैं आपका रख रहा हूँ. मैं आपको आई कनेक्टिंग विद फ्यू लॉयर्स. बैटरी पैक है मेरे बैग में. हाँ बैग में होना चाहिए. एक बैटरी नहीं इसमें से निकालू. उसमें कोई ऐसा प्राइवेट नहीं. लोग हैं अभी भी इस पे पता चले एक बंदा देख रहा है. नहीं नहीं 1.2 तक पहुंचा था. इट्स 428 राइट नाउ. आप लिख के भेजो. अब तो नियम से चलेंगे. कितनी देर चलना है पता नहीं. जब तक लोग है जब तक एक भी बंदा है मैं तो बोल रहा हूँ. वेरी गुड थिंग. आप अगर बोर हो रहे हो तो आप भूख लगने लगी. आप जाओ बल्कि सबके लिए ले आओ कुछ. बाद में वीडियो देख सकते हो ना. ये जो लाइव कर रही है ट्रांसमिट यू कैन सब तो भूख लग रही है तो वी कैन ऑर्डर कुछ कर देते हैं. समोसे या कुछ भी जो भी आदेश कर देते हैं. जो मिल्क या घी पूजा में यूज करते हैं उनका क्या आंसर दिया जाए या क्या ऑल्टरनेटिव दिया जाए. देखिए मैं आपको बताता हूँ. मैं यू नो लाइफ में बहुत जरूरी है टू पिक योर बैटल्स. कि जो पूजा में घी यूज हो रहा है या जो पूजा में मिल्क यूज हो रहा है इज दैट द बिगेस्ट कंजम्पशन. नॉट रियली. I mean that is a very small fraction. क्या कहेंगे that is a very small set of our consumption. लेकिन उसके साथ जो sentiment जुड़ा है वो काफी बड़ा है. तो इस मधुमक्खी के छत्ते को ना हाथ लगाया जाए और उन चीजों को handle किया जाए कि भाई जो normal दूध या घी consume कर रहे हैं वहां पे तो आप कह सकते हो ना कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है
सांड के बच्चे तुम ऐसे लगते हो और फिर तुम और घी खा रहे हो राइट। तो वहां पे सेंटिमेंटालिटी इतनी जुड़ी नहीं है, बंदा चाहे थोड़ा सा दग जाए। हाँ यार शुची, माई सन वॉन्ट्स टू कीप अ डॉग, आई एम नॉट श्योर आई कैन डू जस्टिस टू अनदर लाइफ, आई मे थिंक ऑफ कीपिंग अ रेस्क्यू डॉग, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन शुड टेक केयर व्हेन दे कीप अ डॉग, मे बी अ वीडियो। शुची आई विल से स्टार्ट विद अ प्लांट, यू हैव प्लांट ठीक है, नहीं दैट इज रियली गुड, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। देखिए एक तो सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि एक डॉग को आप इसलिए मत लाइए कि आपके जीवन में कोई कमी है, डॉग इसलिए लाइए कि उसको जरूरत है। तो आपने अच्छा लिखा कि आप रेस्क्यू डॉग लाना चाहती हैं, दैट्स वेरी कमेंडेबल। और जो कौन कौन सी चीजें हैं वो इस पर डिपेंड, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह का आप डॉग ला रहे हैं, कि अगर आप एक हाई एनर्जी डॉग ला रहे हैं घर में तो डू यू हैव समबडी हु कैन स्पेंड टाइम विद देम। तो पहला तो जो सारा क्राइटेरिया है वो आपका होना चाहिए डॉग सिलेक्शन का, क्योंकि रेस्क्यूज में भी फ्रॉम अ पपी टू एन ओल्ड डॉग पूरी रेंज रहेगी, लाइक ओल्ड डॉग्स आर लोअर मेंटेनेंस, यू नो व्हाट। तो आप फॉस्टर कर सकती हैं, जैसे कि शादी करने से पहले गर्लफ्रेंड वो राइट। हाँ आपके जो भी नजदीकी शेल्टर रहेगा उनसे बात करिए ठीक है। तो आप फॉस्टर कर सकती हैं कि एक महीना दो महीना तीन महीने, हो सकता है कि यू उसी को ही आप यू एंड अप अडॉप्टिंग, एंड अगर बात नहीं बनती बेटे का इंटरेस्ट फिजल आउट कर जाता है, यू कैन ऑलवेज यू नो ब्रेकअप बेटर देन डिवोर्स। प्रवेश गौर जी आप आज काफी चुप खड़े हैं, आप ग्रुप पे तो इतना बोलते हैं आपको बैन करना पड़ा। प्रवेश गौर जी का कहना है नॉनवेज लवर थे जून 2020 आप, लेकिन वेजिटेरियन है नाइस। व्हाई वीगन्स आर सो प्रीची, आई नो आई मीन टेल मी अबाउट इट, इन एनी पार्टी और सोशल गैदरिंग दे जनरली स्टार्ट ऑन वीगनिज्म। यार आई थिंक दे आर वेरी ड्रिवन, लाइक उनको संवेदनशील तो है, उनको पता है कि यार जानवर मतलब मर रहे हैं, कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो इट कम्स फ्रॉम दैट इमोशनल प्लेस, दे डोंट स्पेंड टाइम लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट। कोई भी जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना, लोगों को लगता है तो हम कर ही लेंगे, बच्चे पालने में क्या कर ही लेंगे, कम्युनिकेट करने में क्या कर ही लेंगे, बट लाइक चीजें सीखनी पड़ती हैं, दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम। तो आई अग्री विद यू, इट्स वेरी अनोइंग, आई टर्न वेजिटेरियन, बट सारे वीगन ऐसे नहीं होते, ये देखो आई टर्न वेजिटेरियन इन जून 2020, डाउटफुल दैट इफ आई टर्न वीगन विल आई गेट एनफ प्रोटीन कैल्शियम एक्सेट्रा। हाँ लाइक देखो प्लांट बेस्ड प्रोटीन तो बहुत ही ईजी है, आपका जो भी एक कॉम्बो है ना, कोई भी प्राचीन डाइट उठा के देख लीजिए, नॉट सिर्फ इंडिया में, आप चाहे ये जापान चले जाए या मेक्सिको इंडिया, आपका जो कॉम्बो है बीन और राइस का कॉम्बो, दाल और रोटी का कॉम्बो, दैट गिव्स यू कंप्लीट प्रोटीन, इसमें सारे अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। कैल्शियम जो आपको हरी ये ब्रोकली साग वाग से भी मिल जाता है, प्लस तिल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो मेरी डाइट में ताहिनी जो तिल की चटनी होती है, तेल और गार्लिक की, वो मैं बहुत इंक्लूडेड रखता हूँ, और कोई अभी तक तो टचवुड प्रॉब्लम हुई नहीं है, पर अगेन कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको बेटर गाइड कर पाएगा कि आप अपनी डाइट में क्या क्या रखें। एक्चुअली शरण इंडिया करके एक नॉन प्रॉफिट है,
और डॉक्टर नंदिता शाह चलाती हैं, उनकी वेबसाइट पे बहुत अच्छी जानकारी है। अरे यार मेरे को अच्छा लगा आप आए। यस ये तो डिपेंड करेगा कि आपका प्लान क्या है। इनका क्वेश्चन है कि कितना एरिया चाहिए पीपल फार्म जैसा कुछ शुरू करने का। तो देर अगेन इट्स अ वेरी, आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप दो कुत्ते रखना चाहते हैं या छह, आप गाय रखना चाहते हैं या नहीं, बिल्लियों के लिए जगह बनाना चाहते हैं नहीं, पहले आपको ये देखना है कि आप करना क्या चाहते हैं, जगह उसके अनुसार निर्धारित होगी। नॉट अ प्रॉब्लम। नितिन नहीं, रॉबिन जी आप अमेरिका से आए हैं, फर्स्ट टाइम। रॉबिन जी आप अमेरिका से आए और मैं कनाडा से, पड़ोसी आए। आप हैप्पीनेस ढूंढने आए, लाइक योर स्पीकिंग स्किल्स। माय रूममेट एंड आई हैव लेफ्ट ईटिंग चिकन बिकॉज ऑफ योर वीडियोस। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स यार, मेरा आना साथ में चल रहा है। क्वेश्चन फ्रॉम थ्री ऑफ अ फ्रेंड, जयदीप, ब्रैंडन, सुनैना चले गए। इसमें नंबर भी नहीं है। You can answer it and maybe they will see the video. हाँ, they will see the video like afterwards. पर अभी जो लोग आए हैं, पहले तो मैं उनको तो वजह देना चाहूंगा, जब चले गए मेरे दिल को ठेस पहुंच गई थोड़ी। पता है लोगों को लगता है कि कैमरे पे है, कॉन्फिडेंट है, पर जो अंदर की इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो नहीं पता होती। तो पीपल ऑलवेज कंपेयर देयर इंटरनल विद समवन एल्स इज एक्सटर्नल, जबकि अंदर से हम सभी इनसिक्योर है। सर आरती जी ने लिखा है, सर माय डॉटर हैज नो एक्सपीरियंस बट शी वांट्स टू अप्लाई टू बी फॉर वेट, शी वांट्स टू लीव लर्न फ्रॉम यू हाउ शी कैन अप्लाई। आरती जी वेट स्कूल का इंडिया में, आरती जी हैं कहाँ? आरती जी भी कहीं, बट ये मैं चलो बता देता हूँ, इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। वेट स्कूल के इंडिया में एक वीएड से लिमिट है, आपको 25 साल से पहले अप्लाई करना होता है, तो यू नीड बायोलॉजी और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं, लेट हो गए, बट वो पैरावेट बन सकते हैं। हाँ पैरावेट बन सकते हैं, एंड अगर पैरावेट नहीं भी बनते तो किसी नॉन प्रॉफिट के साथ काम करके, रेस्क्यू के साथ काम करके, दे कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। मैं आपको साहिल की बात बताता हूँ। साहिल हमारा स्टार पैरावेट है। जब हमने पीपल फार्म शुरू किया, साहिल वॉज द फर्स्ट गाय देयर की जो डे लेबर लाइक अपना गांव में ही जो झाड़ियां वाड़ियां कटवा रहा था, कंस्ट्रक्शन में भी वो पूरा साथ था। आज जो वेट्स हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जो कॉलेज करके आते हैं बीबीएससी, साहिल उन्हें बताता है कि सर्जरी कैसे करनी है। एंड अ पैरावेट कैन डू एवरीथिंग अ वेट कैन डू। ओह एब्सोल्युटली, एक्सेप्ट फॉर गेट गवर्नमेंट जॉब्स। थैंक यू। सुमित फ्रॉम अलीगढ़। सुमित नहीं, ये क्या हो रहा है सर? आधे लोग थकते आ चुके। चलो कोई नहीं, बाहर खड़े चेक की सुमित फ्रॉम अलीगढ़। बहुत लोग बाहर खड़े हैं, हमें स्पेस नहीं है, तो फिर उन्हें आवाज ही नहीं आ रही होगी। स्टार्टिंग में मैं बाहर खड़ी थी, मुझे आवाज नहीं आ रही। बट दे सी द वीडियो लेटर, दे सी द वीडियो, डोंट बी डिस्करेज बाय दैट प्लीज। नहीं नहीं डिस्करेज नहीं, मैं कंसर्न हूँ। तो हम सभी बाहर चल लेंगे क्या? गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है, 35 डिग्री हमें नहीं लग रहा। कुछ लोग आ सकते हैं अंदर? आ सकते हैं, पहले जो थे यहाँ पे नहीं देगा। You just have to send somebody out and say come. Jessica is there. I have already sent. What question? Sir, आपकी वैसे एज क्या है? लोग बोल रहे थे बैठ जाओ। 41, 41. लगता नहीं हो. अरे वीगन डाइट। I got लोग कहेंगे you look older than 41. No. Boo. Looking. Sterilization important क्यों है? क्या ये डॉग्स के लिए सही है? अगर कुछ सालों बाद डॉग्स बचे ही नहीं तो नहीं। देखिए स्टरलाइजेशन ये इस पे लिखा नहीं है किसने, पर ये सवाल बड़ा कॉमन है तो मैं जवाब दे देता हूँ। आपका नाम अक्षय। अक्षय, स्टरलाइजेशन इम्पोर्टेंट इसलिए कि जब पपीज पैदा होते हैं तो वो मरते हैं और बड़े क्रूअल तरीकों से मरते हैं, ठीक है? तो उस सर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए स्टरलाइजेशन जरूरी है। पैदा ही होने, अगर वो मरते हैं तो उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए ना। आप देखो, लेकिन अगर भारत में आप स्ट्रेडॉक्स की पॉपुलेशन देखो, ये पॉइंट कभी आने का नहीं है कि आपको गली पे कुत्ता देखने को मिलेगा नहीं।
वो मतलब बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल बात है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों थ्योरेटिकल है। दिल्ली दिल्ली में अगर ले लें तो 1 मिलियन स्ट्रे डॉग्स है, यानी कि 10 लाख, ठीक है, ये मोटे तौर पर बता रहा हूँ मैं, दिल्ली दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में, एनसीआर भी नहीं कह रहा मैं। उसमें से आपके हाफ जो है फीमेल लगा लो, ठीक है, यानी कि 5 लाख फीमेल्स हैं। अब स्टरलाइजेशन तब सक्सेसफुल रहती है ज्यादा जब आप एक गो में 70% पॉपुलेशन को स्टरलाइज कर देते हो। 70% यानी कि आपका कितना हो गया, 3,50,000 हो गया ना। 3,50,000 डॉग पूरे दिल्ली में नॉन प्रॉफिट्स नहीं है इतने कि अगर वो सारा 365 दिन स्टरलाइज करेगा तो 10% कर पाएंगे सिर्फ, ठीक है, तो मतलब ही नहीं। और ये तो दिल्ली केंद्र की बात करे जहां सारी फैसिलिटी है, तो कहां ये होगा। तब तक ये तो है कि वो पपीज को तो मरने से मतलब टॉर्चर से तो बचाएं, और वो अपने हाथ में है। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या बच्चों को मां से अलग कर देते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। सड़कों पर चिपके हुए रहते हैं गाड़ी के नीचे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो स्टरलाइजेशन इन्वेसिव है पर ऑल्टरनेटिव से बेटर है। रूप किशोर निशीत, ये सबसे पहले हमारे तीसरे आप थे और ये हमारे साथ ये फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं। रॉबिन जी, यहाँ उपस्थित लोगों की संख्या से मैं उत्साहित हूँ, बड़ी संख्या में लोग यहाँ वहां आना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि वहां जमीन खरीदकर एक 10-12 कमरों वाला हॉस्टल बनाएं तथा इस पर आने वाले खर्च पे वहां आने को उत्सुक लोगों से कोई उचित योजना बनाकर ले लें। मैं इसमें सहयोग तुरंत देने को उत्सुक हूँ। लोग 1-1 लाख देखिए 1 करोड़ तुरंत एकत्र कर सकते हैं। रूप किशोर जी, मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया, हमने जमीन तो ले ली है तो वहां पे हमने ये शुरू करना ही है। तो बात सिर्फ फंडिंग नहीं है, बात यही है कि टाइम और मैनेजमेंट की। तो अगर आप हमारे साथ आगे जुड़ते हैं, आप इस प्रोजेक्ट को स्पीयर हेड करना चाहते हैं, पैसे लेना है आपसे, पैसे, बात सिर्फ पैसों की नहीं है ना, बात है उस फंड को यूटिलाइज भी करना। तो हमारे को जो लोग चाहिए कि जो आके इस प्रोजेक्ट को स्पीयर हेड कर सके, कंस्ट्रक्शन कराए, तजुर्बा नहीं है, कंस्ट्रक्शन में कोई तजुर्बा नहीं है। हाँ, फिर वही है, जब कोई वैसा व्यक्ति है तो 1-2 साल में ये रेडी हो जाएगा। तो अरे थैंक यू, आपने अपना नंबर लिखा है ना इस पे, ठीक है। तो ये जैसे ये जब रेडी होगा ये मैं आपको पर्सनली इत्तला दूंगा, जब रेडी होना शुरू करेंगे हम। वो जो बाहर से आगे सब अंदर ज्यादातर लोग आ गए हैं। बाय द वे, मैं शिवानी को क्रेडिट देना चाहूंगा, मैंने तो कॉफी होम डिसाइड किया था, मुझे लगा था 5-10 लोग लगा आएंगे, हम अपना बात बात करेंगे, और तो शिवानी को लगा नहीं भैया। हाँ आई नो, वो मेरी गलती है। तो रजनी हमारे साथ तब से जुड़ी है, हमने पहले दिल्ली में जब ये शुरू किया ना स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, तो हम वर्ल्डली लैब्स करके हमारा नाम होता था, 4th मंजिल पे हम कुत्तों को स्टरलाइज कर रहे थे, तब रजनी हमसे मिलने आए थे। सर कहते हैं एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड, वही हो रहा है, जो कि आते का 5 से 10, तो यहाँ पर तो काफी आ गए। तो I have to go unfortunately, but okay. I just wanted to say hi. You got your sticker? Yes. So maybe next time we can sit down and talk. Chalo, bye. Prashant Sinha. Prashant. Oh. Hey, should we do that? जी वहाँ पे भी अगर कोई बाहर लोग हैं उनका नाम बोल दें। ठीक। I live in Noida, 1 kilometer from my place. One person has opened a pork slaughterhouse. Baba. A bit hidden amidst the bushes. I am guessing the slaughterhouse is illegal. Is there any way to stop it? Prashant ji, मुझे ना pig farming जो है ना इंडिया में थोड़ी unorganized है, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, पर कोई भी जो चाहे स्लॉटर भी है वो भी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट के तहत आता है। तो दो चीजें हो सकती हैं, आपके यहाँ जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है आप उनसे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे ये देखो हाइजीन और इस सब की वॉयलेशन है,
आप फूड वालों से भी बात कर सकते हो, तो आप इसको दो तीन एंगल से अप्रोच कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री वालों से बात कर लो, जो फूड सेफ्टी वाले हैं उनसे बात कर लो, एंड पुलिस में जाके आप प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट जो है उसके तहत भी आप बात कर सकते हैं। मैं बाकी आपका ये रख रहा हूँ, अगर मेरे मित्र हैं अंबुज जी सुप्रीम कोर्ट में, वो लॉयर हैं, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। So daughter houses were like everywhere scattered. So as soon as he came to power, they vanished and they were shifted to a particular area. So new daughter houses are open nahi hote. So yahan open hua hai sir, so I was like, तो वही आपको पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। यू कैन ऑल्सो फाइल अ आरटीआई एंड आस्क डिटेल्स ऑफ इट्स लाइसेंस। सो इफ यू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आरटीआई दैट दे डोंट हैव अ लाइसेंस, पोस्ट इट इन अ फोरम लाइक द इंडियन एनिमल फोरम दैट हैज लैक्स ऑफ मेंबर्स, सो देर विल बी एटलीस्ट सम पीपल हु विल सी योर स्नैपशॉट्स ऑफ द आरटीआई एंड दे विल कमेंट और दे विल ज्वाइन यू। सो यू विल नॉट हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू द कॉप्स अलोन, यू विल हैव 30 40 50 पीपल। आप जीरो फाइल कर सकते हो ना ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है कि आपको अपने एरिया के थाने में जाके करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं और किसी और से जाके आप वो थाना इज बेयरली लाइक 100 मीटर फ्रॉम दैट प्लेस, सो आई एम लाइक इज द गाय पेइंग द थाना पीपल लाइक सो। हाँ वो तो आई एम गेसिंग कि हो रहा होगा, तो आप वही तो मैं कह रहा हूँ जीरो एफआईआर किसी और थाने में जाके आप कर सकते हो। बाकी आपके एरिया में वो भी होंगे ना कोई एसडीएम डीसी ये सब होंगे? एसडीएम होते हैं ना, तहसील के एसडीएम होते हैं, फिर डीसी होते हैं, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो, उनका ईमेल लिस्टेड होता है। और अब तो ये जो सीएम जो सीएम है पीएम है इनका भी ऑनलाइन वो है, तो वो आप वहां डाल दोगे तो जवाब आएगा ही आएगा, देर से आएगा जरूर। गवर्नमेंट लेवल वीगनिज्म को गवर्नमेंट लेवल पर स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे आने से ही ये सही ढंग से लागू होगा और प्रचार प्रसार होगा। ये गुरनाम सिंह जी ने पूछा है। गुरनाम देखिए, मैंने तो गवर्नमेंट लेवल पे जब जब जैसे कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मुझे बुलाया गया है कि भाई यहाँ गाय की बड़ी समस्या हुई है, जैसे अभी हिमाचल के सीएम साहब ने कहा 2022 तक सड़क पे कोई बेसहारा गाय नहीं दिखेगी, क्लेम है। अब मुझे नहीं पता कि प्लान क्या है, तो जिस भी जगह पे जहां भी किसी एसडीएम साहब ने मीटिंग की मुझे बुलाया गया, तो मैंने अपनी ये बात रखी है कि देखिए लोगों को तो रोजगार चाहिए, तो रोजगार देने के लिए प्लांट बेस्ड जो मिल गया उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने रखी है। पर ऐसे कोई बहुत ज्यादा एक्टिव वो नहीं किया हमारा। अगेन जो हमने बैटल पिक किया दैट इज मोर ऑफ अ ग्रास रूट एफर्ट, अवेयरनेस, नॉट पॉलिसी एंड गवर्नमेंट, वो सब मेरे बस का फिलहाल तो नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर इस बारे में देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं, नहीं कर सकते हैं आप, वही है कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस में जाएंगे कंप्लेन करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, वही आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो वहां जाइए, वही मैं कह रहा हूं। तो यू विल हैव टू लाइक नेविगेट दिस होल ब्यूरोक्रेसी। बस मुझे बैन क्यों किया? अंकिता जी बताएंगी, मैं बताऊं? यार देखो, जहां तक मुझे लगता है आपको बैन इसलिए किया गया क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म का जो मुद्दा है ना वो है कि लोग एक दूसरे से इंस्पायर हो, आपका मुद्दा यह था कि लोग एक दूसरे से ट्रिगर हो, तो आप शरारती तत्व हो, अभी भी शरारती तत्व जो आप मेरी फ्रेंड लिस्ट पे हो, बार बार बैन करते हैं आप, आते क्यों दोबारा? आप ढीठ आप है, आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो हो लेकिन ना, तो शरारती लोग मेरे करीब हैं लेकिन ग्रुप से बैन है। सर एक सवाल है, मेरा एक पर्सनल ट्रोलिंग वाला ग्रुप है वो ज्वाइन करो। नहीं आई एम किडिंग, कम ऑन टास्क रेल। बस हे, ये खाना भी टाइम पे आ गया तो हाँ जी, यहाँ पे सब आ जाए, आप सबको एकत्रित कर लो, तो लाइव तो बंद ही करते ना, फिर चलता है।
कटलेट खाते हुए देखेंगे। टीम के इंट्रोडक्शन के बाद तब तक आप अपनी पीपल फार्म वाली का भी बता दो सर। एक छोटा सबके लोगों के नाम गिनाओ। नहीं यार चल जी 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 बताएं सर। मेरे वहाँ पर ना बहुत सारे डॉग्स हैं गली के बोलते हैं काटे में एकदम दौड़ पड़ते हैं। क्यों होता है यार? इसके दो कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि डॉग्स अग्रेसिव होते हैं, वो न्यूटर्ड नहीं होते जब, तो स्टरलाइज करने के बाद उनका एग्रेशन जो है थोड़ा कम हो जाता है। कई बार वो एंजाइटी की वजह से काटते हैं कि जैसे बचपन में उन्हें मारा पीटा गया है तो वो थोड़ा एंग्जियस हो जाते हैं। वो जो बिहेवियरियल प्रॉब्लम है वो उससे फिक्स हो जाती है। एंग्जो केयर अगर आप दें, हिमालय की दवाई आती है एंग्जो केयर जिसका प्राइमरी कॉम्पोनेंट अश्वगंधा है, तो सुबह शाम एक एक गोली दें, महीने दो महीना आपको फर्क नजर आएगा। और इसके अलावा तीसरा, जब कई बार होता है कि जो फीमेल डॉग रहती है जब उन्होंने बच्चे दिए होते हैं तब वो प्रोटेक्टिव हो जाती है और वो काटने के लिए दौड़ती है। बस यही है। क्योंकि अभी ना पहले घर के बिल्कुल नीचे दो एक फीमेल दो डॉगी दी है, उसके पास जाता भड़कने लगे। उसको खाना खिलाना शुरू करो ना, वो ही करना पड़ेगा। मुझे आ रहे हम लोग आदेश सब जी बताएं। कमान कमान मेरी गली में छोटे बच्चों की मां मर चुकी है, बट बाहर की गली के दो कुत्ते आते हैं और उन बच्चों को मारते हैं। उनको भी मैं फीड कराती हूँ, बट अब कुछ टाइम से मुझे लग रहा है कि उन तीन छोटे बच्चों को बचाने के लिए मुझे उनको पानी डाल के भगाना पड़ता है। तो क्या मैं ये सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ? नहीं नहीं ठीक है। नहीं आई थिंक बिल्कुल ठीक है, आप उनको बचा रहे हो और पानी डाल रहे हो तो दैट्स द उनको भी खिलाती हूँ, बट उन तीन बच्चों को बचाने के लिए उनको खिलाना पड़ता है। That's the perfect example of the middle ground. आपने like perfect, कोई doubt नहीं कि आप सही कर रहे हो। ये शिवानी है। Usually मैं rescue videos ऐसे शुरू करता हूँ। शिवानी people farm products handle करती है and शिवानी का जो मुद्दा है वो ये है कि इनको 100 लड़कियों को employment देनी है। I think 9 पे पहुंच चुकी है। शिवानी पीपल फार्म की सह संस्थापक भी हैं। एक बार मैं इनके हाँ जी तो मैं डरता तो मैं भगवान से हूँ सिर्फ। नहीं डरता है, डांटते कौन है? डांटता कौन है? नहीं मैं तो नहीं डांटता। आई थिंक हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ वो सब हो चुका है। हमारे अपने कमरे अलग अलग रखे हुए हैं ना। अब हमारे पास एक फोकस है करने का काम, तो इसलिए ऐसे होती है इनसे मेरी। तो आदेश जो सारा अकाउंट हैंडल करते हैं क्योंकि पीपल फार्म में जो भी है, हमारे पास ATG है तो हम डोनेशन रिसीट्स वगैरह इश्यू करना, जो सारा जो प्रोडक्ट्स की अकाउंटिंग है ये सब, तो ये सारे वो है वो दिन आदेश प्रकाश नीव के पत्थर वाले लोग हैं जो सामने नहीं आते, पर दे आर हैंडलिंग प्रोसेसेस जिनके बिना इट ऑल फॉल्स अपार्ट। तो प्रकाश और आदेश एक्चुअली हमारे साथ दिल्ली में मेरे साथ भी है जब मेरी IT कंपनी थी ईजन की, तब से जुड़े हुए हैं। एंड प्रकाश एक्चुअली है जॉइंट, प्रकाश हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे और आज हमारे दिल्ली के सारे जो सब कुछ यही हैंडल करते हैं। और पीपल फार्म का अपने कोई भी काम होता है, हमारे कुत्ते डेली आ रहे हैं उनको देखना, अभी भी यहाँ पे सब कोऑर्डिनेट करना, ये बुक कराना, सारे जो भी भाग दौड़ वाले काम है मुझे जिनसे नफरत है, प्रकाश पीटर मी फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। और जब तक मेरी माता जी जिंदा थी दिल्ली में, मैं तो हिमाचल में था कि भाई आप आ नहीं रहे, मैं तो यहाँ पे आऊंगा नहीं काम छोड़ के, तो ही वॉज द वन विद आदेश हैंडलिंग माई मॉम। अनुराग वॉलंटियर। आई एम अनुराग। वेरी रिसेंटली एसोसिएटेड विद रॉबिन एंड हेल्पिंग हिम विद द मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, सो आई एम रिसेंटली। जितनी बारी मेरे को कोई भी क्वेश्चन था, मैंने रेस्क्यू किया किसी को, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को पिग्स मिले खाने के लाना है, लिटरली मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड भी किया, लाइक अभी हेल्प करते हैं। ग्रेट। बाय द वे हम 15 तारीख को वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ हेल्पलाइन,
क्योंकि इनका तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा एंड आई एम टू बी ऑनेस्ट सरप्राइज्ड बिकॉज बहुत लोगों के मैसेज जो है जवाब नहीं हो पाते क्योंकि देखिए ना भाई इतना बैंडविड्थ ही नहीं है तो 15 तारीख से हमारे पास एक बेड रहेंगे डेडिकेटेड जो लोगों की हेल्प करेंगे भाई जहां पे वेटनरी हेल्प नहीं अवेलेबल तो वहां पे वो बता पाएंगे कि आप ऐसे कर लो जितना ऑनलाइन किया जा सकता है। ये जेसिका है जेसिका हमारे साथ वॉलेंटियर तो वॉलेंटियर जुड़ी थी लॉकडाउन के दौरान एंड नाउ शी वर्क्स विद अस फुल टाइम थर्ड टाइम में फार्म मूव भी हो जाएंगी। ये जो भी हमारे फेसबुक पे सारे कमेंट्स होती है ये हैंडल करते हैं फेसबुक पे पता है आपको लोग हमारे को एक कमेंट अच्छा से कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं दैट्स थैंक्स टू हर। और ये फार्म क्यों नहीं आ रही उसके पीछे भी बड़ी क्यूट स्टोरी है इनके पास एक गिलहरी है और वो जो गिलहरी है वो यूज टू है इनके पूरे घर में उसको ये छोड़ के आ नहीं सकती लेकिन उसको लेके आई अगर फार्म और उसको अगर घर पसंद नहीं आया क्योंकि गिलहरी का अपना कमरा भी है इनके घर में तो इसलिए ये अभी वेट कर रही है कि गिलहरी बड़ी हो जाए समझदार हो जाए। एक सेकंड में इंट्रोडक्शन खत्म कर लूं और अंकिता जी को तो आपने लाइव पे फ्रेंड्स ऑफ पीपल नाम में देखा होगा अंकिता जी हिमाचल से हैं अनलाइक मी अनफॉर्चुनेटली तो और अंकिता फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म मैनेज करती हैं कुछ और एडमिन एंड मॉडरेटर्स के साथ जिसमें निधि भी हैं जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है जसमीत भी हैं और एक हमारे जो वॉलेंटियर आज नहीं उपस्थित हुए हैं एंजल कौर जी जो हमारे HHA ग्रुप्स को मैनेज करती हैं। इनफैक्ट अभी उनका हफ्ता पहले शादी हुई है शादी के 2-3 घंटे बाद वो HHA ग्रुप पे बता रही थी लोगों को इस कुत्ते को ये करो इसको वो करो एंड वो कल फार्म पे आई हुई थी सर आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थैंक यू मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इतने लोग आए यू नो लाइक व्हाट डज दिस डू फॉर माय कॉन्फिडेंस अगले वीडियो में आवाज सुनना मेरी आवाज खराब होगी सर मैंने आपको पहले ही कहा था जब उन्होंने बोला था कि 5-10 लोग आ रहे हैं अभी आपको कहा था कि 50-60 लोग तो जरूर आएंगे।